जी अस्सलाम वालेकुम। सारे मेरे दोस्त साथी, आपको मालूम है हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। अकेले अकेले रहमान साहब को याद करने से और बेचैनी बढ़ रही थी, तो यही सोचा कि सारे दोस्त मिल के बैठे। कल भी हमने इस तरह की एक नशिस्त की थी और बहुत बेहतर लगा। फैमिली ने भी साथ शिरकत की। उनके काफी बच्चों में से तीन तीन बच्चे हमारे साथ थे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हमारे साथ थे, तो बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथियों से हम बात करना चाह रहे थे, तो आज हमने सोचा इस तरह मिलके बैठ लेते हैं और थोड़ी थोड़ी बातें, इनफॉर्मल बातें। रहमान साहब की विट, रहमान साहब के प्यारे प्यारे जोक्स, उनकी विजडम, उनके बिल्कुल मैं कहूंगी पर्ल्स, इनफॉर्मली, कोई क्लिशेड बात नहीं, कोई तकरीर नहीं। सिर्फ जिस तरह फिजिकली बैठते हैं हम बातें करते हैं, अपनी इतनी यादें आ रही हैं, इतने दिनों से इतनी जिंदगी की बातें याद आ रही हैं, तो वही बैठ के शेयर करने का मौका है। बीच बीच में आप लोगों को अच्छा लगेगा, हमने उनके क्लिप्स निकाले हैं, कुछ जो चीजें हमने रिकॉर्ड की हुई है उनको बोलता देख के इतना दिल खुश होता है। तो आई थिंक दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ हीलिंग प्रोसेस। और कुछ दोस्तों ने, मैंने देखा कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स जो है वो रहमान साहब की पिक्चर्स लगाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे ख्याल है हम ये कंसर्टेड एफर्ट कर लेते हैं। मेरी सजेशन तो ये है कि हम 10 डेज के लिए हम सारे अगर अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स रहमान साहब की लगा लें, तो एक थोड़ा हम जो एक उनका स्टैचर है उसके हिसाब से उनको खुदाफिस कहना चाहिए। और फिजिकली तो इकट्ठे नहीं हो सकते, तो नेट ही हमारा प्लेटफॉर्म है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं आप सबको ही कहूंगी कि अपनी अपनी बात इनफॉर्मली कीजिएगा, लेकिन मैं फरतुल्ला बाबर साहब से शुरू करना चाहती हूँ। हम में से सीनियर हैं और रहमान साहब को बहुत ज्यादा क्लोजली जानते हैं। वैसे तो हर एक को लगता है कि हम ही सबसे ज्यादा लाडले थे उनके और हम ही सबसे ज्यादा करीब थे उनके, लेकिन फिर भी आई थिंक आप शुरू कीजिए फरतुल्ला बाबर शुक्रिया साहब। जी साहब, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि आपने ऐसे अखट का एहतमाम किया है कि रहमान साहब के दोस्तों को, उनके शनासाओं को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हो ताकि ज़रा उनकी यादें शेयर करके, जैसे आपने कहा, उस गम को, उनकी वफ़ात के गम को थोड़ा सा हल्का कर दें। देखिए, रहमान साहब, आप सब जानते हैं, एक गैर मामूली शख्सियत थे। और गैर मामूली शख्सियत, अभी फौजी आपने कहा कि हम में से हर एक ये समझता था कि एक स्पेशल रिलेशनशिप है। ये दरअसल जो गैर मामूली शख्सियत होती है उसकी खसूसियत ये होती है कि जो भी उनके साथ कांटेक्ट में आए, वो नज़दीक हो या दूर हो, वो ये समझता है, उसे यकीन होता है कि मैं इस शख्स के बहुत सबसे ज़्यादा करीब हूँ। एंड हिज रेलेवेंस फॉर मी इज मोर देन इज रेलेवेंस टू एनीबडी एल्स। तो ये एक बड़े शख्सियत की ये एक निशानी होती है। और अगर कोई और उनका, रहमान साहब की और जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनका जिक्र न भी किया जाए, इवन देन सिर्फ इस खसूसियत की वजह से वो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। देखिए जी, उनकी जो, आपने भी नोट किया होगा, उनकी जो एक बड़ी खसूसियत थी, मैंने ये देखा कि वो बिल्कुल अपना इल्म, अपना तजर्बा, अपनी विजडम हर एक के साथ शेयर करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। अगर आपने कभी कॉल किया कि रामान साहब ये इशू है, इस पर क्या क्या आपका तबसरा है या आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो आपको जो भी उनको याद होता था बता देते थे। और अगर कोई कोई चीज रह गई हो तो थोड़ी देर बाद आपको दोबारा कॉल करके, अपना रिकॉर्ड कंसल्ट करके फिर आपको बताते कि भाई देखो इस तरह है, उसमें ये बात भी है, वो बात भी है। तो ये जो चीज़ है ना कि अपना इलम, तजर्बा, दानाई सबके साथ शेयर करना, ये बहुत कम लोगों में होता है। हमारा एक एटीट्यूड है इंसान का बाई एंड लार्ज, और वो ये है कि जो कुछ मेरे पास है मैं उसे अपने पास ही रखूं ताकि मैं एक इंडिस्पेंसिबल शख्सियत के तौर पे उभरूं। और वो कहते हैं ना फ्रेंच में, आपखे मुआ ले दिल्यूज, मेरे बाद बेशक तूफान आ जाए, मेरे बाद सैलाब आ जाए, लेकिन जो मेरे पास है मैं ही उसे इस्तेमाल करूं। तो ये जो रहमान रहमान साहब की जो खसूसियत थी ना, इट वॉज कंट्ररी टू दिस, वो शेयर करते थे। और अगर आप देखें,
मैं आई वॉज रियली स्ट्रक कि अपनी वफात से 4 दिन पहले जो उनका आर्टिकल छपा है उसमें एक बड़ा टेलिंग सेंटेंस है, और वो ये कहते हैं कि वन बिकम्स रिचर एंड सर्टनली नॉट पुअरर बाय शेयरिंग वन्स विजडम विद द लेस फॉर्चुनेट ह्यूमन बीइंग्स। ये आप देखिए, मेरे ख्याल 8 तारीख के डॉन में छपा है ये, और आखिरी आखिरी और आखिरी में भी वो यही कह रहे हैं कि एक आदमी ज्यादा रिच हो जाता है, गरीब नहीं होगा, मुफलिस नहीं होगा, अगर वो अपना तजर्बा अपना इल्म दूसरों के साथ शेयर करे। तो एक तो ये उनकी बहुत ही बड़ी खसूसियत थी, बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ा दिल जी, हाँ बहुत बड़ा दिल। दूसरा ये जी कि वो जो वो कहते थे ही मेंट व्हाट ही सेड एंड ही सेड व्हाट ही मेंट, ये जो डायबॉलिकल होता है कि कहो कुछ और मतलब कुछ और हो, ये उनमें बिल्कुल नहीं था। मेरा तो रहमान साहब के साथ जो ताल्लुक हुआ वो 1987-88 से हुआ, जब मैं फ्रंटियर पोस्ट अखबार पेशावर का मैनेजिंग एडिटर था, और रहमान साहब जो थे वो लाहौर में व्यू पॉइंट में भी थे, और तो रहमान साहब हमारे अखबार के लिए लिखा करते थे, और चूंकि उन दिनों जो फौजी डिक्टेटरशिप थी वो रहमान साहब को टारगेट की हुई थी, तो वो हमारे लिए अपने बेटे के नाम से अशर रहमान के नाम से कालम लिखते थे, और बड़े बड़े कड़ाकेदार किस्म के कालम लिखते थे वो। और जब भी हमने कोई मुश्किल हुई, कोई मशवरा मांगा, तो उन्होंने बड़े खलूस के साथ, मसलन हमें ये प्रॉब्लम पेश आई कि ऐसा लगता था कि फ्रंटियर पोस्ट को निशाने पर है और वो बंद हो जाएगा, तो मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। तो रहमान साहब से जब बात हुई तो रहमान साहब ने कहा कि देखो अखबार बंद करना इतना तो आसान ना हो, लेकिन ज़रा ये ख्याल करो कि जिस प्रिंटर से आप छपवाते हो वो प्रिंटर तो कोई आम प्रिंटर होगा, वो तो हुकूमत का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो आपके अखबार के बंद होने का जो एक बड़ा रास्ता होगा वो ये होगा कि आपके प्रिंटर पर दबाव आ जाएगा, प्रिंटर का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे और आपका पर्चा नहीं छपेगा, तो इसके इस पर ज़रा गौर कर लें। हमने कहा क्या कर सकते हैं? मैंने कहा देखो ये जो व्यू पॉइंट है इनका अपना प्रिंटिंग प्रेस है, तो मजहर अली खान साहब से बात कर लें, जरा उनसे मिल लें। मैं फिर मजहर अली खान साहब से मिला, हमने बात की, बट यू नो हिज एडवाइस वॉज वेरी टेलिंग। हम वो जो खतरा था वो तो बावजूद टल गया बाद में, लेकिन बड़ी पते की बात उन्होंने की कि देखो अखबार बंद करना वैसे तो शायद आसान ना हो, लेकिन प्रिंटर के जरिए कोई किसी वक्त ये हो सकता है। फिर उसके बाद से मेरा उनके साथ ताल्लुक जो था वो हर हफ्ते हर महीने हर साल मजीद गहरा होता गया, और फिर जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट आई तो मैं ऑफिशियल स्पीच राइटर था, और रहमान साहब जो थे पाकिस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर। और मैं बताऊं आपको जी व्हाट इम्प्रेस्ड मी मोस्ट, कि उस वक्त तक जो पाकिस्तान टाइम्स था वो तो एक ऑफिशियल माउथपीस था, ऑफिशियल ऑर्गन था, और ये तसव्वुर ही नहीं हो सकता था कि पाकिस्तान टाइम्स हुकूमत वक्त के खिलाफ कोई बात लिखे कोई लिखे, लेकिन रहमान साहब और अपना अजीज सिद्दीकी साहब ने उस अखबार को सही मायनों में एक इंडिपेंडेंट अखबार बनाया, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर भी जहाँ तनकीद उनकी नज़र में जायज थी बड़ी सख्त तजकीद करते थे। और अच्छा मुझे आपकी बात से याद आ रहा है कि जो हमें भी बड़ी उन्होंने किस्से सुनाए हुए, जो सेंसरशिप के दौर में जिस तेजी के साथ और जिस स्ट्रेटजी के साथ अपनी बात को पहुंचाना, अगर आप इजाजत दें तो छोटा सा एक क्लिप दिखाना चाहेंगे जिसमें उन्होंने यही जो आप बातें कर रहे हैं ये थोड़ा सा खुद से हमें समझाया, और शुरू में एक साहब की बात कर रहे हैं जिसको पकड़ के ले गए थे, जिस तरह ये उठा के ले जाते थे, जरा सा अगर सेंसरशिप वाला चला लें। बता दिया सारा कि मैं वहाँ लेक्चर था, वहाँ ये था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप डॉक्टर को बने। अच्छा तो उसने कहा मैं डॉक्टर बने ही नहीं, कैसे बर्दाश्त करते हैं, खत्म। अच्छा फिर दोबारा, अच्छा फिर वहीं से, अच्छा फिर
तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं बना डॉक्टर। तो तीन चार दिन के बाद उनको ये एहसास हुआ कि हम गलत आदमी पकड़ रहे हैं। They were looking for one Dr. Muhammad Amin. क्योंकि ये इनके बारे में ख्याल था कि ये है ही खराब आदमी उनके नजर से। चार दिन बाद पता लग गया उनको कि ये हम गलत आदमी ले आए। खैर हम लोगों ने पता किया कि अगर गलत आदमी को ले गए हैं आप तो आप छोड़ रहे कभी इतना आसान नहीं यानी ये तो मान लिया कि हमारी गलती है हम छोड़ना कैसे। आई थिंक दे केप्ट हिम फॉर 40 डेज। अच्छा लोग समझ जाते सुर्खी रह गई बाकी और दो इंच जगह खाली है तो वो उनका नहीं होगा आप खाली जगह नहीं छोड़ सकते। तो मैं कराची गया कराची में इंफॉर्मेशन वाले उनका भी आप क्या फिक्र कर क्यों आप क्या बात करते हैं ये वो मुसावात के ऊपर लिखा जाता था ना कि वो फिरौन के बारे में आयत उनका वो सेंसर करती है बहुत हदीस और आयत सब सेंसर किया और अबुल कलाम आजाद के का एक बहुत मशहूर तकरीर या मकाला है इमाम हुसैन पर। अच्छा जी वो अखबार ने कहा कि वो छाप देते कोई नहीं ये नहीं छाप यानी ये तो उस तो एक 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 इट वाज वेरी एक्साइटिंग आल्सो कि किस तरीके से इन तमाम पाबंदियों के बावजूद अपनी बात किसी तरह से निकाली जाए। अच्छा हमारे दोस्त अमीन मुगल साहब फॉरन पेज किया करते थे तो निकाला हुआ कि खबरें बड़ी छापते थे। अच्छा एनालिसिस बहुत करते थे कि निकारागुआ में ये हो रहा है और फौजियों का ये कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक मूवमेंट में ये हो रहा है और लोगों के साथ ये हो रहा है गुप्ता अब्दुल हदीस दोस्त था तो वो भी बंद हो गया। उन्होंने कहा भाई इसमें इसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। नहीं 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 सारे पता कि आप निकारागुआ की और अल सलवाडोर की और बात करते हैं ये हमें पता है क्यों करते हैं। ये उसी जमाने में अल्लामा इकबाल का एक शेर भी सेंसर हुआ वो अगरचे बुत है जमात के आस्तीनों में मुझे यह हुक्म है अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह उनके जमात इस्लामी के खिलाफ है हमें पता है। इकबाल ने जब जमात इस्लामी का वजूद भी नहीं था उस वक्त का शेर वो भी सेंसर हुआ। वो तो आपको आपने लतीफा सुना होगा के पाकिस्तान के जो भाई बाजू के ताल्लुक रखने वाले लोग थे उन पर ये इल्जाम था कि स्पेन से मुसलमानों को निकलवाए इन्होंने हमारे ऐसे ऐसे भी दानिश्वर इस मुल्क में मुक्तदर हुए हैं तो ये तो कहना कि भाई हमारे मुस्लिम लीग के लिए भी ऐसे थे ये उन्होंने कहा कि बाल आ जाओ वरना हम हमारा वही अशर करेंगे जो हलाकू खान ने किया। तो उन्होंने कहा कि भाई वो उसका कोई ताल्लुक नहीं था मुस्लिम लीग से वो मुसलमान भी नहीं था। बहुत शुक्रिया फॉर दिस क्लिप एतजाज आपको वेलकम करते हैं हम अपनी नशिस्त में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बाकी साथी भी आप जानते ही होंगे आपको हमारी आवाज आ रही है एतजाज अहसन साहब जी आप अभी म्यूट हैं मगर मैं आपको वेलकम करना चाह रही थी। और अभी फरतुल्ला बाबर साहब ने कुछ कॉमेंट्स दिए हम बहुत इनफॉर्मल बातचीत कर रहे हैं रहमान साहब के बारे में अपना दिल हल्का करने के लिए उनकी यादें उनकी बातें तो हमने यही कहा कि आज ये कोई स्पीचेस नहीं आज सिर्फ ऐसे गपशप करेंगे उनके बारे में उनको याद करेंगे। सो मैं एतजाज आपसे चाहूंगी कि अगर आप कुछ कहना चाहें एक हमने उनके बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसमें आपके बहुत अच्छे से कमेंट्स थे जब आप उनको इनवाइट करके पाकिस्तान टाइम्स लेकर आए थे एज चीफ एडिटर तो कोई भी आप उनकी बात करना चाहें आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और आप अपने कमेंट्स जो भी आप बात करना चाहें आपको अनम्यूट करने में अगर दिक्कत हो तो हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं।
अच्छा आप, हाँ हो गया, वेरी गुड जी 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 हाँ, इतने इतने होशियार हम हो गए। वेरी गुड। बहरहाल आई थिंक एक तो मेरा ख्याल है आपने बड़ा अच्छा किया, और मैंने जब आया हूँ आपके पास इस महफिल में शामिल हुआ हूँ तो बड़ा अच्छा एकदम चेहरा जो रहमान साहब का बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह जिंदा है और बात कर रहे हैं। तो असल में बात रहमान साहब जैसे शख्स की कोई ताजियत नहीं होनी चाहिए, सेलिब्रेशन ऑफ हिज लाइफ ही होनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहा, बहुत और अच्छा। और ये कॉन्सेप्ट जो साउथ अफ्रीकन्स ने दिया है दुनिया को, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ऐसा बंदा जब चला गया, जाना तो उन्होंने था, नाउ ही वाज इन हिज 90s, तो वी कांट कीप हिम विद अस, वी कांट रिमेन विद हिम ऑल द टाइम। तो एक दिन जाना ही होता है, बट एक तो अल्हम्दुलिल्लाह एज कुछ ऐसा असर हाजिर में ये मुमकिन है कि बहुत सी बातें टेक्नोलॉजी के ज़रिए रिकॉर्ड की जा सके और उनको महफूज रखा जा सके, और जिस ऐसा मौका जिस तरह आया इसमें वो चल सकें। अब वो जो एक चीज़ आपने नोट फरमाई होगी रहमान साहब की गुफ्तगू जो अभी चल रही थी, जिसको मैंने थोड़ा सा सुना, कि आपके आपका एक आपकी हिस्से मजाक जो थी वो बहुत ही बारीक थी, बहुत बारीक थी, बहुत हसास थी और बड़ी बेसाख्ता थी। जिस तरह की बातें वो सुनाया करते थे और जिस तरह के किस्से और ऐसे मामलात को बड़े संजीदा मामलात में भी वो एक गैर संजीदा सा रवैया ला के बड़ी टेंशन को, टेंस माहौल को भी एकदम पिघला देते थे, और ये उनकी बड़ी सलाहियत थी। फिर उनकी सलाहियत ये थी कि ये बयक वक्त ब्रॉडेस्ट पॉसिबल जो कैनवस है उस पे भी तस्वीर को देख रहे हैं और उसकी स्मॉलेस्ट डिटेल को भी देख रहे हैं, और जो उसकी छोटी से छोटी डिटेल जो है कोई एक कोने में उस ब्रॉड बड़े कैनवस में एक कोई ब्लैक या रेड स्पॉट है, डॉट है, आप उसको भी देख के और उसका भी तजिया ऑफ द पार्ट इन द होल एंड द होल इन द पार्ट, ये इनको बयक वक्त महसूस भी करना, उनका एहसास भी होना और उनके बारे में एक बड़ा मारूजी तजिया भी उनका होना, ये कर लेना, ये रहमान साहब का एक खास मलका था। और रहमान साहब को शायद ये उस जमाने में मिला जब वो एडिटर रहे थे, और एडिटर के जो लंबा अरसा होता है, मुझे याद है मुझे रहमान साहब ने एक दफा कहा, मैं विलायत से ताज़ा ताज़ा आया हुआ था, तो आप एडिटर थे पाकिस्तान टाइम्स में, तो मुझे उन्होंने बुलाया, वो फ़ोन किया, बुलाया, मैं गया, कहने लगे क्या वकालत करोगे कि ये इधर कोई जॉब तुम्हारे लिए करें कुछ। मैंने कहा रहमान साहब मैं तो वकालत ही करके आया हूँ, यही इरादा है वकालत करने का। तो कहने लगे फिर कोई ना कोई मजमून तो लिख लिया करो, और लिख दिया करो, और कोई टॉपिक था उस वक्त ज़माने में ये हो रहा था कि इलेक्शंस पहले हो के एहतसाब पहले हो, इसका ये बहस चल रही थी। तो मुझे कहने लगे कि कोई इस मौजू पे कुछ आप लिख दो। अब मैं बताने गया जो चाह रहा हूँ कि मैं लिख के गया अपना बड़ा कैम्ब्रिज का ग्रेजुएट, ग्रेज इन का बैरिस्टर, और बड़ी अच्छी अंग्रेजी लिख के अपने तहीं, और अंग्रेजी खैर मेरी, मेरा ख्याल है फिर भी अच्छी थी, अच्छी ही थी, पर पहले सफ़े पे रहमान साहब ने 25 स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा नहीं है, जो मेरे से बिल्कुल मैं इग्नोर किए बैठा था,
मैं बोल तो सकता था पर वो लिखने के लिए ये बारीक बीनी जो उनको थी वो एडिटर होने से मिली थी, जिनका उनको उनको बड़ा फायदा होता था। और एक उनका मलिका था और लोगों में बैठकर जब वो सोचते थे और या बोलते थे या कोई इसलाह किसी की करते थे तो बड़ी मौजू इसलाह होती थी, क्योंकि रहमान साहब दोस्त भी थे, एक इंटेलेक्चुअल भी थे, पर साथ साथ मैं समझता हूँ एक उस्ताद भी थे। उन्होंने जिस जिस किस्म के लोगों को जर्नलिज्म और मजमून निगारी और फिर खबर निगारी रिपोर्टिंग, ये जितने लोगों को सिखाया है और बड़े सब्र के साथ सिखाया है, बड़े मतलब है दिलचस्पी के साथ सिखाया है, कोई ये नहीं कि किसी की और किसी की दिल आजारी नहीं होने दी। मेरी 25 अगलात उन्होंने निकाली पर मेरी दिल आजारी नहीं हुई किसी एक बात पे भी, वो फिर समझाते रहे बताते रहे। तो उससे मुझे वैसे इतना फायदा हुआ उस एक सफा उनके पढ़ने से कि मैं शायद उसके बाद उन वकुला में बिल्कुल शामिल हो गया जिनकी इमला के बाद जो इसलाक होती थी वो कम तरीन होती थी। वो एक सफ़ा जो रहमान साहब ने मेरा देखा तो मुझे एकदम महसूस हुआ, एहसास हुआ कि कितनी इनएडिकसी थी मेरी उस तहरीर में, जिसमें जैसे मैंने अर्ज किया अंग्रेजी की गलती नहीं थी पर वो कैपिटल जहाँ होना चाहिए था वहाँ कैपिटल नहीं था, कॉमा जहाँ आ जाना चाहिए था वहाँ कॉमा नहीं था। तो रहमान साहब ने और बड़ी शफकत के साथ, और फिर वो मजमून छाप भी दिया, जब छप गया तो मैंने कहा ये तो आपके नाम से छपना चाहिए था रहमान साहब। कहने लगे अगर हम ऐसे करने लगे तो फिर सारा अखबार ही हमारे नाम से छपेगा। कि हर मजमून में वो अगलात निकालते थे, इसलाह करते थे। तो बहुत शफीक, बहुत प्यार करने वाले। अब किस किस तौर और तर्ज से उनको याद किया जाए मैं भी आगे बढ़ाऊंगा जब कॉन्वर्सेशन आगे चलेगी। जी जरूर। और हम लोग कल भी कुछ दोस्त बैठे थे तो यही बात कर रहे थे कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको लगता है वो सबसे करीब है रहमान साहब के, उसी फैमिली के जो मेरी जनरेशन है वो लगता है हम सबसे करीब है, और जो बच्चे हैं उनको लगता है कि वो ही उनके दोस्त हैं। ये अक्रॉस जनरेशन इस तरह उनकी शफकत की वजह से ही इतने ज्यादा कनेक्टेड, वो स्ट्रांगली कनेक्टेड होते थे। तो एक हमने आप में से कई लोग शामिल हुए थे, एक हमने उनका बड़ा ट्रिब्यूट किया था इस्लामाबाद में 2011 में, मुझे फरतुल्ला बाबर साहब का तो याद है, रफीक आप भी वहां थे, जफर आप भी वहां थे। तो उसमें से एक आध हमने क्लिप सा लिया था, हमने कहा यहाँ पर सलीमा आज नहीं आ पाई, उनका बहुत दिल चाह रहा था मगर बहुत ज्यादा वो थकी हुई थी। तो हम छोटा सा कमेंट जो उस ट्रिब्यूट के मौके पे मेहरगढ़ ने ऑर्गेनाइज किया था, तो अगर आप दिखाइए वो सलीमा का क्लिप। So Rehman sir, it's not that you are our leader. You are geniuses that you see in each one of us the possibility, no, the probability of leadership. So, you know, you make us believe, as Fair said, Nya parvat parvat heere hai, Nya sagar sagar hoti hai. Thank you Rehman sir for believing in us. And because we also know, Utho ab tab khali haathon ko us rang se bulaave aate hain. Thank you. Bas ab kuch aur kehne ki bhi daish nahi. Bahut khoobsurti ke saath सिर्फ अपनी नहीं सलीमा, आपने हम सब के जज्बात की अक्कासी भी की है। और मैं चाहूंगी कि यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम खत्म करें, लेकिन हमारा जो सिलसिला है रहमान साहब की अप्रोच को आगे फैलाने का और उनके पैगाम को आगे ले जाने का, खासतौर पर अपने यूथ में, वो सिलसिला भरपूर तरीके से जारी रहेगा। अग्री। थैंक यू फॉर दिस क्लिप। कृष्णा मैं आपको वेलकम करना चाहती हूँ, कृष्णा कुमारी हमारे साथ है
और रहमान साहब के कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, वो अभी उन्होंने कैमरा नहीं ऑन किया, लेकिन आई जस्ट वांट टू थैंक यू। कल भी आप लोगों की पार्टिसिपेशन मुझे बहुत अच्छी लगी, सब ने दिल खोल के बातें की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा, और मैं चाह रही थी जो छोटे बच्चे थे सब, कल उनको भी आप बेशक बुला लीजिएगा, ताकि वो बहुत अच्छा लगा था, कल उनकी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा जी, मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी, अगर इजाज गुल साहब, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे कल्चर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगता है रहमान साहब के इतने परते, इतने डिमेंशंस हैं, और वो हर डिमेंशन की इंसाइक्लोपीडिया। तो फिल्म रिव्यूज का दौर हो, चाहे वो जो आपने अपने आप को अनम्यूट करना है, भी नैफटेक में थोड़ी देर ज्वाइन किया, वो सिनेमा रिसाला जो निकाला, कुछ भी आप जो भी आपकी याद है आप शेयर कीजिए, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को। आप इजाजत दें तो मैं अगर किसी और से पहले कर लूं, जफर आप अगर शुरू करना चाहें बात आगे। हाँ चले, उनका भी वैसे अनम्यूट हो गया। जी हो गया, आवाज आ रही है। जी आगे। मेरा अपना डॉक्टर फौजिया रहमान साहब से बहुत मुख्तसिल ताल्लुक रहा, रابطہ रहा, लेकिन वो मेरे लिए प्रिविलेज है। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ 70s, मैं स्टेट फिल्म अथॉरिटी में था असलम अजहर साहब के साथ, और रहमान साहब जो हैं वो नैफटेक में थे, और नैफटेक सिनेमा द वर्ल्ड ओवर मैगजीन जो है सिनेमा का, नैफटेक का, वो उसके एडिटर थे वो। तो मैं जब अमेरिका से पढ़ के वापस आया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपना मैगजीन के लिए लिखना शुरू करो, और फिर मैंने लिखना शुरू किया और मैं लिखता रहा ता वक्त कि वो मैगजीन बंद हो गया। और बहुत शफीक थे ये अपना, हमारे दोस्तों ने कहा है आज, मैं आई कुडंट एग्री मोर विद दैट कि वो कितने शफीक थे, वो दोस्त थे, मेहरबान थे वो। और फिर पाकिस्तान इंडिया पीस एंड फ्रेंडशिप फोरम जो है उसके तहत हम अपना इंडिया गए 2011 में, तो डेलीगेशन जो है वो रहमान साहब ही लीड कर रहे थे, और मैं इंडिया तो जा चुका था बहुत दफ़ा, लेकिन बाय रोड बाय ट्रेन जाने का ये पहला मौका मिला, और वो हमारे साथ ही रहे और मुसलसल हमारे पास आ जाते थे, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, ख्याल रखते थे बहुत। चुनाचे यू नो मेज़बान भी बहुत अच्छे थे। पाकिस्तानी फिल्में जो हैं 70s में, वो हमारा अरूज का दौर था, यू नो वी मेड अबाउट 111 फिल्में हमने बनाई, और 8 स्टूडियोज़ थे और 700 सिनेमा थे उस वक्त, और नैफटेक का ये मैगजीन जो है जो रहमान साहब चला रहे थे, बजा तौर पे उसने उसको रिप्रेजेंट किया, लेकिन उसमें जैसे मैंने बताया सिनेमा द वर्ल्ड ओवर बाहर की खबरें जो हैं फिल्म की वो भी उसमें शामिल करते थे, और कलर फोटोग्राफ्स भी हुआ करती थी उसमें। चुनाचे मैं जो मैंने वक्त गुजारा रहमान साहब के साथ, वो बहुत कीमती वक्त था मेरा, और मुझे उस पर फ़ख्र है बहुत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कृष्णा आपको जल्दी तो नहीं है, अगर अच्छा जफर आपकी तरफ हम आते हैं। बहुत शुक्रिया फौजिया, आपने बड़ा अच्छा एहतमाम किया कि हम अपनी बातें यादें शेयर कर सकें। कल भी बड़ी अच्छी बातें हुई। अच्छा मैं आज क्योंकि जुमेरात है और डॉन में उनका कॉलम हर जुमेरात को छपता था, और आज मैं अखबार नहीं पढ़ सका क्योंकि आज कॉलम उनके बारे में छपा हुआ है, रहमान साहब के जो वो पर्ल्स ऑफ विजडम होते थे वो मैंने मिस किए, और अभी तो ये पहली चीज़ है जो आज मैंने शिद्दत से मिस की, वरना हर हफ्ते उनका जो कॉलम होता था उसमें जो भी मौजू होता था वो उस पर बड़ी भरपूर तहरीर होती थी, आर्ग्यूमेंट होता था। अच्छा मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरा ताल्लुक आईए रहमान साहब से ज़माना तालिब इल्मी में बना, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था। मुझे दिन भी याद है 21 फरवरी 1985 मुझे फैज़ अहमद फैज़ स्कॉलरशिप मिला सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ हायर एजुकेशन साही की तरफ से,
और वो दिन आज का दिन मसलन उनकी जिंदगी में सारा सफर में उनकी शफकत भी रही, मोहब्बत भी रही, जर्नलिज्म के दिन हो, ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म के दिन हो, पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरलिज्म का हमारा बड़ा मुश्तरका पैशन था, और जिस मौजू पे भी बात करें रहमान साहब के पास एक जखीरा होता था मालूमात का, और बड़े प्यार से वो अगर कहीं पे हमारी गेंद वाइड होती थी तो वो समझा देते थे, इस अंदाज में नहीं कि वो डांट रहे हैं या कुछ, बल्कि बड़े प्यार से कि हकायक को इस अंदाज से भी देखा जा सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि वो एक हमारा ईडियम है को हमालिया वाला, कि उनमें चट्टान जैसा आजम था, उनके सरप्रस्ती में कई चश्मे फूटे पाकिस्तान में सिविलिटी के, रूल ऑफ लॉ के, स्ट्रगल के, और मैं मानता हूँ एतजाज साहब ने जो कहा, टू बी ऑनेस्ट ही लिव्ड सच अ वंडरफुल लाइफ, के जो तहजीब आइकॉन्स होते हैं ना वो चले जाते हैं, जिस तरह फैज की शायरी हम आज भी गुनगुनाते हैं। मेरा ख्याल है कि हम रहमान साहब की बातें जिंदगी में जहां भी कोई मोड़ आएंगे, मुश्किल लम्हे आएंगे, उनकी फिक्र भी, उनकी बातें भी, आई विल रिक्वेस्ट के कोई अगर दोस्त उनका काम, उन्होंने बड़ी अच्छी किताबें हैं, मुझे याद है MRD की तहरीक पे जब मैं थीसिस कर रहा था तो उस वक्त उनके कॉलम्स का एक मजमुआ था जिसमें उस दौर के बड़े कॉलम्स, आपने भी उस ट्रिब्यूट के मौके पे एक बुक छापी थी, वो तनवीर जहां ने, तनवीर ने वो पुट टुगेदर की थी, जिना एज ए पार्लियामेंटेरियन, बड़ी ऑथेंटिक किताब और बहुत कुछ। तो मेरा ख्याल है दैट विल बी अ सर्विस के अगर एक डेडिकेटेड वेबसाइट बनाई जा सके जहाँ पे ये सारी तहरीरें, गुफ्तगू जो भी मुयस्सर हो, क्योंकि नई नस्ल तो इस मीडियम को यूज करती है, हम जैसे बूढ़ों के लिए आप कोई किताब भी छाप देंगे तो वो भी एक यादगार होगी। लेकिन आई हैव सो मैनी रीजंस टू सेलिब्रेट रहमान साहब, शुक्रिया हमारी जिंदगियों में वो रोशनी करने का जिसको हम कोशिश करेंगे आपकी तरह तो नहीं, अपने अंदाज में आगे लेके जाने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं एक ये शेयर करना चाह रही थी, जैसे आपने कहा ये एक जमाने में मेहरगढ़ ने ये प्रोड्यूस की थी, इसमें ये CDs का सेट था, तो अब तो लॉर बदल गया है, तो मैं मलिया से रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने ये चीजें संभाल के रखी हुई हैं कि इनको अब डिजिटाइज जैसे भी, आई थिंक ये वेबसाइट का आइडिया बड़ा अच्छा है, कोई कलेक्टिव एफर्ट इस तरह का भी हो सकता है ताकि ये सब चीजें हो जाएं। और तनवीर अभी आगे भी बात करेंगी, मगर जो किताब इन्होंने मजमुआ उनके कॉलम्स का किया, मे बी द नेक्स्ट राउंड, द नेक्स्ट वॉल्यूम कैन कम आउट। थोड़ा सा रहमान साहब की फैमिली पे हम अगर बात कर लें, अभी बाकी साथी भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे डिस्कशन में। कल जब हम बात कर रहे थे तो उनकी फैमिली जो है उनकी वाइफ ने इंट्रोड्यूस कराई थी, तो आज हमने क्लिप निकाला है जो रहमान साहब अपनी फैमिली इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो आई थिंक वो जो अभी फैमिली मेंबर साथ हैं हमारे उनको भी अच्छा लगेगा, तो जरा प्ले करते हैं जैसे रहमान साहब ने अपनी फैमिली इंट्रोड्यूस कराई। रहमान साहब, आपसे पॉलिटिकल बातचीत तो हम करते रहते हैं, आज आप हमें अपनी फैमिली के बारे में बताएं, जिसको भी आप कंसिडर करते हैं कि आपकी इमीडिएट फैमिली में आता है। हमारा जो कुनबा है जिसे मेरी फैमिली कहा जा सकता है, ये आप बेशक स्पीकर व्यू पे कर लीजिए, जो स्पीकर्स हैं तो आपको अच्छा नजर आएगा। हैं एक ही हैं और पांच हमारे बच्चे हैं, तीन लड़के हैं, दो बच्चियां हैं। जो हमारे बड़े साहबजादे हैं वो मुल्क से बाहर अपनी किस्मत आजमाते हैं, उनकी बीवी उनके साथ हैं और एक प्यारा सा बेटा भी है, तो एक पोता हमसे दूर रहता है और दो बेटे ये यहाँ पे हैं, इनमें से एक हमारे साथ रहते हैं, जिनके ये दो फूल यहाँ पे रखे हुए हैं। 11 साल पुरानी है, याद रखिएगा। ये तो सभी हैं, लेकिन
ये चूंकि ऐसे जालिम हैं जो कि सवार हैं, तो जिंदगी बड़ी कायम रहती है। और इनके जो वालिद हैं वो जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ ऑन संडे को एडिट करते हैं। अशर रहमान बहुत सीरियस आदमी है, बहुत मुझे बड़ी खुशी है कि वो जर्नलिज्म में उनका नाम है और वो अच्छा लिखते हैं। फिर हमारी बेटी है जो आजकल कराची में है, और उन्होंने अपनी हिम्मत से खासी तालीम हासिल की, टेक्सटाइल डिज़ाइन में डिप्लोमा लिया मॉस्को की बड़ी मशहूर इंस्टीट्यूट से, लेकिन अब वो फिलहाल अपने बच्चों को पाल रही हैं। उनसे छोटे जो हैं अहमद रहमान साहब हैं, जो कि बहुत से काम करते हैं और फिल्में भी बनाते हैं और डिज़ाइनिंग भी करते हैं और अच्छे डिज़ाइनर हैं। और सबसे छोटी जो हैं वो अम्बरीन, वो भी कराची में रहती हैं और वकील हैं। और कुछ अरसे उन्होंने ह्यूमन राइट्स का काम किया, अभी शायद उसी से कुछ मुतालिक कर रही हैं। तो ये हमारी दुनिया है और हम इसमें बहुत खुश हैं। बहुत अच्छे। अभी एक और क्लिप है जो मैंने सब बच्चों से इनके व्यूज लिए थे, तो कल अशर की बातचीत थोड़ी सी हमने चलाई थी, आज मैं अहमर की थोड़ी सी बातें चलाना चाहती हूँ। और जो हमारे साथ है लाइव फेसबुक पे उनको ये ज्यादा क्लियर नजर आ रहा होगा, लेकिन जो स्पीकर्स हैं अगर आप गैलरी व्यू से स्पीकर व्यू पे जाएंगे तो आपको फुल स्क्रीन ये नजर आएगा। सो अब अहमर की थोड़ी सी बातचीत, अहमर बता रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा गया। और अगेन मैं आपको ये रिमाइंड कराऊंगी, जो रहमान साहब के साथ छोटे बच्चे थे हातिम और राबिया, अशर के बच्चे हैं ये, अब जरा बड़े हो गए हैं, उनके कद वद निकल आए, तो अगर वो हमारे साथ हैं तो वो एंजॉय कर रहे होंगे, उन्होंने अपना वीडियो नहीं खोला हुआ है, कल वो हमारे साथ ही थे। तो अब अशर की थोड़ी बातचीत सुनते हैं। बाकी बहन भाई जो हमसे बड़े थे उन्होंने उनको देखा उस जमाने में जब वो ज्यादा रोब रखते थे। दूसरी बात ये थी कि मैं क्योंकि नीचे बहुत खेलता रहा और मुझे जो चीज बड़े भाई करते थे कि अब्बा किताबें पढ़ रहे हैं तो मुझे उनको भी किताबें पढ़नी है, तो मुझे लगता था कि ये जो अब्बा कर रहे हैं और ये सब लोग कर रहे हैं मुझे वो नहीं करना, मुझे अपना कुछ करना है। जो ये मेरे अंदर बाद में भी बात रही और कई लोग मुझे हमें कहते भी थे कि जी अब्बी जैसा कोई नहीं हुआ, अब्बी जैसा कोई नहीं हुआ इनमें से, तो मुझे होता था कि ये क्या बात हुई अब्बी जैसा कोई नहीं हुआ, अब्बी होंगी अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे अपना खुद हूँ, यानी कि जो भी मैं हूँ उस जमाने में मैं सोचता था ये, और मैं बन के दिखाऊंगा इनको सबको कुछ ना कुछ अपने लिहाज से। और तो मुझे ये था कि इनसे जो बात पूछें उनका जवाब इनके पास जरूर होता है, यानी कि ऑक्ट्राई क्या होता है, अगर सिगरेट का पैकेट लेने चले गए तो ऑक्ट्राई क्या होता है, ये रिक्शा जो है इसमें साइलेंसर की आवाज क्यों ज्यादा आती है, गुड्डी उड़ती कैसे है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आर्ट्स हो, कोई एक्टर के बारे में आप बात पूछ रहे हो, इवन ये कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जो बनती है उनमें जो शर्ट है वो ब्लू या व्हाइट होती है, ये अब्बा ने हमें बताया कि वहाँ व्हाइट शर्ट नहीं पहनते, ब्लू शर्ट पहनते ताकि चौकी ना आए, उनको हर चीज के बारे में। फिर मेरे कुछ पुराने ऐसे वाकयात याद आएंगे, अब्बा से जो मैंने बात पूछी उन्होंने हमेशा बता दी। फिर दूसरी बात मुझे ये लगा कि अब्बा को एक जमाने में ये लगता था कि ये मैं और वो साथ साथ दोनों बराबर के लोग हैं शायद जैसे, तो और ये होता था कि अम्मा भी हमेशा कहती थी कि बच्चों को अपने वाले से नहीं डरना चाहिए, ये क्या बात है ये डरते हैं ये वो, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस इससे पहले कि तस्वीर भी खींच रही है आका की और भाई की, दोनों भाइयों की, तो यूं है वो अब्बा अगर खींच रहे तो देखने वाला हमेशा कह देता था कि ये जरूर अब्बी ने तस्वीर खींची, या जो उनको दूल्हा भाई कहते थे उनकी जो अम्मी की जो बहने हैं, तो कि दूल्हा भाई ने तस्वीर खींची होगी कि भाई जो इश्तहारी मुर्जिमों की तरह, तो मुझे ये था कि ये नहीं मुझे इस तरह नहीं होना, तो ये सारी बात थी। फिर उसके बाद कई चीजें ऐसी थी जो मुझे लगा कि वो जान जानबूझ के चाहते हैं कि हम उनकी उंगली पकड़ के ना चलें। फैज़ अब मेला हो रहा है
वो सबसे पहली रो में बैठे हुए, हम धक्के खा के सबसे पिछली वाली रो में बैठे हुए, तो मुझे कई दफा होता था यार ये क्या बात हुई, सब शुएब हाशमी साहब के बच्चे भी उनके साथ बैठे हुए हैं, उमर हाशमी साहब के भी बच्चे उनके साथ बैठे हुए, रहमान साहब के बच्चे जो है पिछली रो में बैठे हुए, ये क्यों है ऐसा। तो फिर बाद में एक दफा मैं जब NCA में जाना चाहता था तो उस जमाने में मैंने उनसे जाके कह दी ये बात कि मैंने कहा जी मुझे, मैं ये नहीं चाहता कि लोग कहें कि ये रहमान साहब के बेटे हैं, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे अहमद रहमान कहें। तो वो उन बड़े खामोश रहे, फिर बाद में मुझे लगा कि यार ये जो मैंने सारी बात की ये बड़ी फजूल बात है, क्योंकि आई कैन नेवर बी रहिम एंड आई कैन नेवर बी लाइक समबडी हु इज हिम, लाइक यानी कि वो मेरे कहने से मुराद ये कि इतना उनमें है जो मुझ में कभी सारी जिंदगी नहीं आ सकता, पूरी डिक्शनरी है वो, पूरी जनरल नॉलेज एक यूनिवर्सिटी है वो, और इवन उन्होंने हमारी ट्रेनिंग भी इसी तरह की। जब मैं छोटा था तो जूते लेने हम बाटा पे जाते थे, सर्विस किया बाटा, हम बाटा पे ज्यादा प्रेफर करते थे जूते लेने, तो हम अंदर चले गए, उसके बाद जूता ले लिया तो उन्होंने कहा अच्छा सॉक्स के पैसे आप ये लीजिए और अंदर जाके खुद खरीद के लाइए। फिर ये कि पर्ल कॉन्टिनेंटल में खाना कैसे खाते हैं और नहारी खाने का तरीका क्या है, और ये भी घर में बैठ के बता रहे होंगे कि जी अगर आपके यानी कि मील्स चल रहे हो तो सबसे पहले यानी कि आप पहले वाली छुरी पकड़ेंगे, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद बड़ी कॉम्बिनेशन में इस तरह होगा, या इवन ये कि जिस वक्त भी हम बात कर रहे होते तो उसमें कोई ना कोई पढ़ाई लिखाई की बात जरूर होती थी कि सालन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो किसी ने जवाब नहीं दिया, थोड़ी देर बाद मैंने ऐसी पूछ ली अब्बू करी क्या होती है, उन्होंने कहा मेरा ख्याल है कि सालन को ही कहते हैं। तो इस तरह की बातें कि वो हमेशा कुछ ना कुछ, अगर लाइट चली गई है लोड शेडिंग में तो ये नहीं है कि हम नीचे जाके यानी कि कुछ खेल रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं, हमारी बकायदा वो होता था कि अब हम जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यानी कि ट्रांसलेशन करेंगे कि अनारकली जो है वो मसरूफ तरीन बाजार है, तो किसी ने मैंने कह दिया अनारकली इज द बिजिएस्ट बाजार इन लाहौर, तो शाबाश बेटे। फिर उसके बाद उन्होंने शायद बड़ी बहन से पूछा था, उन्होंने नहीं कहा, मैंने कह दिया तो बेटे मैंने आपसे पूछा है, फौरन एक रोप भी क्या, और उसके बाद शाबाश भी। मेरे तक आते आते वो थोड़े से उनमें वो मोल्ड हो गए थे शायद थोड़े से, और मेरे लिहाज से शायद, या मैं कहता हूँ शायद भाइयों के साथ लिहाज से ना हो, तो वो मैंने उनके साथ वो बड़ा एंजॉय किया मोमेंट्स। फिर उसके बाद एक बात जो मेरे साथ ये था कि ये इन लोगों की छुट्टियां ज्यादा लंबी होती थी, मेरी छुट्टियां छोटी होती थी, तो मुझे ये होता था कि मुझे होमवर्क खत्म करना है। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब ये इनका अम्मा कहती थी कि बच्चों को आप टाइम नहीं देते, बच्चों को आप टाइम नहीं देते, तो मुझे उन्होंने बहुत टाइम दिया मुझे, यानी कि मुझे आज तक फिजिक्स की समझ नहीं आई, और हमेशा वो समझाते रहे कि वेलोसिटी ये होती है, एक्सेलरेशन ये होती है, कॉलेज के स्कूल के जमाने में, और मैथमेटिक्स में फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो इवन रात को बैठ जाते थे ढाई ढाई तीन तीन बजे तक हमें बैठ के पढ़ाया उन्होंने। और मैंने जो सबसे ज्यादा जो मिस भी मैंने उनको किया जब जेल चले गए वो, तो मेरी उनके साथ यादें बहुत बनी हुई हैं। थैंक यू वेरी मच। कल हमने अशर की बातें सुनी थी, आज अहमर की सुनी है। कल अहमर हमारे साथ थे और फैमिली के कुछ लोग जो हैं वो आए थे। आपने इनाम का खोल दिया है अभी, उसके थ्रू थे बच्चे वहां पर। यस हियर यू आर, हेलो। आप छोटे छोटे सब बड़े हो गए हैं, तो आई होप आपको अपने बचपन की तस्वीरें भी इंजॉय कर रहे होंगे। हातिम खास तौर पर मैं आपके लिए कह रही हूँ। अच्छा कृष्णा, अगर आप आगे कंटिन्यू करो हमारी डिस्कशन को, आपकी भी ढेरों यादें हैं। हाँ, अनम्यूट करना पड़ेगा। थैंक यू फौजी बाजी, आ रही मेरी आवाज? अच्छा, पहले तो इंसानों की आलमबरदार शख्सियत आई रहमान साहब के अचानक बिछड़ जाने पे पूरा मुल्क सोगवार है। सहाफत से किसे करियर का आगाज करने वाले आई रहमान साहब ने मार्शल लॉ में भी तकलीफें बर्दाश्त की। इंसानी हकूक कमीशन के फाउंडर मेंबर में शामिल आई रहमान साहब ने 1987 से जिंदगी के आखिरी लम्हा तक इंसानी हकूक के लिए और इंसानियत के लिए काम किया, और यही वजह है कि आज हारी मजदूर और जो गरीब तबका है वो उनको सबसे ज्यादा याद कर रहे हैं। आई रियली हाईली अप्रिशिएट दी मेहरगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेहरगढ़ फॉर दी ट्रिब्यूट पेड टू हिम इन हिज लाइफ। आप थे ना उस पे, आपको याद है?
जी बिल्कुल, मैं थी और मैं लकी थी कि मैं उस प्रोग्राम में शामिल थी। और मेरी पहली मुलाकात, जी बिल्कुल मैं थी, हमारे थरपारकर से काफी लोग थे, वीर जी भी था उसमें, और मेरी पहली मुलाकात रहमान साहब से 2007 में हुई थी। और मैं उन लकी स्टूडेंट में शामिल हूँ जो रहमान साहब हमारे जो मेरे तरह और भी जो स्टूडेंट थे वो उनसे हमने सीखा, और इंसानी हकूक क्या होता है वो हमने सीखा, और हमें तब पता चला कि इंसानी हकूक क्या होता है, ये हमें रहमान मलिक साहब ने सिखाया। क्योंकि 2007 में मेहरगढ़ में उन्होंने हमारी 2 महीने की लीडरशिप ट्रेनिंग थी, उसमें वो आए थे और हमारे साथ वहां रहे 2-3 दिन। खफा हो जाएंगे रहमान साहब, आपने उनको रहमान मलिक कह दिया तो सॉरी, खफा हो जाएंगे, देख रहे हैं वो आपको। सॉरी कोई कोई तो जोड़ होना चाहिए ना कृष्णा, ये तो बहुत ही ज्यादा दूर हो गया। बिल्कुल ये ज्यादा दूर हो गया, सॉरी, क्योंकि नहीं असल में वो हमारे ज्यादा करीब होते हैं ना, तो इसलिए अचानक बंद किया गया। और मुझे याद है आपकी जब ग्रेजुएशन हुई थी मेहरगढ़ से, तो आपको सर्टिफिकेट, बिल्कुल बिल्कुल सर्टिफिकेट भी हमने दिए थे, हमें दिए थे। और उसके बाद तो हमारी अक्सर मुलाकातें होती रहती थी ना, लाहौर में भी, हैदराबाद में कई मुलाकातें हुई, कराची में भी और इस्लामाबाद में भी। मतलब ये रहमान साहब वो इंसानों में से थे जो हर प्रोग्राम में आते थे, और जो भी इंसानी हकूक के हवाले से जो भी प्रोग्राम थे उसमें आये रहमान साहब जरूर शामिल होते थे। तो हम जैसे लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उनके साथ उनके बातें सुनने को मिला, और सीखने को भी काफी चीजें मिली हमें। तो हम खुशकिस्मत हैं कि मैं खुशकिस्मत, स्पेशली मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनके स्टूडेंट में शामिल हूँ, और हम हमेशा उनको याद करते रहेंगे। और जो कल रजा साहब की मैं जब मैं स्पीच सुनी थी, सेनेटर रजा रबानी साहब की, वो जो कह रहे थे कि उनके जो आर्टिकल्स वगैरह है उनको हम कंपाइल करें बुक की सूरत में, तो मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा है, मैं भी उसमें अप्रिशिएट करती हूँ। और मेहरगढ़ को कहेंगे कि वो इस तरह का उनके को बुक लेके आए, और उनपे क्योंकि हम जैसे और भी जो हमारे न्यू जनरेशन आ रही है उनको भी काफी कुछ उनको सीखने को मिलेगा, और उनके काफी इंसानी हकूक के हवाले से भी, और लीडरशिप के हवाले से भी, और यूथ के हवाले से भी काफी कुछ जो ऐसे आर्टिकल हैं वो हमारी यूथ को और उनको सुनने और सीखने को मिलेगा उनसे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी हमें अम्बरीन ने ज्वाइन किया, वैसे मेरे ख्याल ज्वाइन पहले से किया हुआ था, आप देख रहे थे शायद, लेकिन अस्सलाम वालेकुम सबको। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई, मैं मेरा बच्चे के स्कूल से लाने के टाइम क्लैश कर रहा था। कोई नहीं, आप इसकी रिकॉर्डिंग बाकी के भी देख लेना आराम से। और अम्बरीन जो है कैम्ब्रिज में होती है, रहमान साहब की बेटी है, और कल भी हमारे साथ थी, और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज रहमान साहब ने इतनी प्यारी अपनी फैमिली इंट्रोड्यूस कराई, आप सुनना वो जरूर, बड़ा प्यारा जी, जी जी जी। अच्छा, मुझे खुशी होगी उनकी फैमिली से मिलके। वैसे तो आपके भी पुराने क्लिप्स पड़े हुए, बस मैंने जी 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 जी। अच्छा, और बच्चों के भी लगाए छोटे छोटे होते हुए। अच्छा रफीक, अगर आप अनम्यूट करें तो मे बी यू कैन remember some of the memories. Rafiq Jaffer, आप हैं हमारे साथ। अच्छा, हम मेरे ख्याल है आगे नियाज आपकी तरफ चलते हैं। रफीक ने अभी अनम्यूट किया अपने आप को। अच्छा। रफीक आपका वीडियो नहीं आ रहा। There, आ गया। चलो जी रफीक, आप ये क्या हो रहा है जी, आवाज आ रही है? जी आ रही, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है, कुछ अफसोस भी हो रहा है कि एक तो मैं फौजी आपको बहुत एतजाज साहब ने जो बात की है ना, सॉरी मैं आपकी जरा सा कथा कलामी कर रही हूँ, जो शुरू में एतजाज साहब ने बात की है ना कि ही नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड, उससे एकदम से ना बोझ दिल का हल्का सा हुआ। जो मतलब दुख तो है, हीलिंग भी आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेगी, लेकिन जो इन्होंने कहा कि व्हाट अ वंडरफुल मैन एंड व्हाट अ वंडरफुल लाइफ, तो सेलिब्रेशन में वो हम आग एक ग्रूव सा हमने शिफ्ट किया। तो रफीक आप आगे बात कीजिए। हाँ,
हाँ, पहली बात तो मैं ये जरूर कहूंगा, और ये फौजिया आपके लिए है और मलिया के लिए भी है, कि हमारे मुल्क में जो रिवायत है वो ये है कि हम लोगों की जो रेफरेंस या उनकी यादगार या उनको ट्रिब्यूट जो है वो पे करते हैं उनके जाने के बाद। लेकिन आपने जो रीत रखी, जो मेरे ख्याल में काफ़ी मुनफरिद है इस मुल्क में, कि आपने रहमान साहब को भी ट्रिब्यूट पे किया, आपने रज़ा रब्बानी साहब को भी ट्रिब्यूट पे किया, और मेरी खुशकिस्मती है या आपका रोब है कि मैंने वो सारे अटेंड किए लाहौर से इस्लामाबाद जाके, मैं उसको पिछले साल इत्तेजाज़ अहसन साहब का भी किया था। हाँ, वो मैं नहीं पहुंच पाया। हाँ, लेकिन आज हमारे साथ है, उनका हमने लास्ट ईयर किया था, डेढ़ साल पहले। तो ये एक तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है, और इससे एक तो ये हम पैगाम आपने दिया है लोगों को कि लोगों की जो जिंदगी है उसमें हम उनको सेलिब्रेट करें, और उनको मतलब है उस सेलिब्रेशन से आप फिर उनकी जो असर है उसको बहुत बढ़ा देते हैं सोसाइटी में। और क्योंकि हर शख्स को तो आप जिंदगी में ट्रिब्यूट पे नहीं करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, और मैं इसके लिए आप क्यों और मलिया दोनों आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, मेहरगढ़ को भी। रहमान साहब के साथ ताल्लुक मेरा 1989 में हुआ था, जब वो चीफ एडिटर थे पाकिस्तान टाइम्स के, और वो एक मौका ऐसा हुआ था कि जावेद जब्बार उस वक्त मिनिस्टर थे इंफॉर्मेशन के, और उन्होंने एड एशिया कांग्रेस अरेंज की थी लाहौर में, और उसकी ऑर्गेनाइजिंग में सलीमा और शहब हाशमी बड़े एक्टिव थे, और मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने एडवर्ड डी बोनो पे काफ़ी रिसर्च की थी, और एडवर्ड डी बोनो उस कॉन्फ्रेंस के कीनोट स्पीकर थे। तो उसमें फिर मैंने हमने डी बोनो साहब के साथ हमारी मीटिंग भी हुई, और उस मीटिंग की जो सारा सिलसिला हुआ तो सलीमा ने रहमान साहब को बताया कि जी ये मीटिंग हुई है, तो रहमान साहब ने फौरन मुझसे रब्ता किया, और ये हमारा पहला रब्ता था, और मुझे कहा कि जी आप इस पे कुछ लिखें हमारे लिए। तो मैंने फौरन लिख के कुछ उनको दे दिया, और कुछ साथ तस्वीर भी थी डी बोनो के साथ हमारी, वो उन्होंने छाप दिया अगले दिन, और वो काफ़ी ज़्यादा कवरेज थी उस आर्टिकल की, दो सफ़ों पे वो था। और उसको मैं कहूँगा कि मेरा एक तरह से जो ज़िंदगी का जो कैरियर में चेंज आई थी उसमें उस आर्टिकल का बड़ा रोल था, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान टाइम्स उस वक्त डॉन के बाद सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी अखबार था, जो मुझे फिर लोगों ने कॉन्टेक्ट करना शुरू किया, और मेरा जो कैरियर था फ्रॉम बीइंग अ प्रोफेसर वो एज अ ट्रेनर कैरियर जो है वो सिलसिला शुरू हुआ, तो उसमें उस आर्टिकल का बहुत ज़्यादा। और ये कि उन्होंने मतलब वो ना मुझे जानते थे ना उनको पता था कि मैं लिख भी सकता हूँ या नहीं, लेकिन उनका ये एक जो था कि उनका ट्रस्ट था कि अगर कोई शख्स ये काम कर रहा है तो कोई, तो वो आर्टिकल मैंने फिर मैं उसके बाद बहुत सारी ट्रेनिंग्स मैं कराता रहा हूँ थिंकिंग स्किल्स के हवाले से, तो वो आर्टिकल को हज़ारों लोगों ने उस तरह भी पढ़ा है, उसमें पाकिस्तान के आप समझ लें कि हर सिविल सर्वेंट ने वो आर्टिकल पढ़ा है। तो एक छोटी सी चीज़ जो कि 1989 में हुई जिसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि वो जारी है। और मेरा जो फिर ट्रेनिंग कैरियर बना वो बहुत तरीक़ों से रहमान साहब के साथ जुड़ा जाके, मैंने मुझे उन्होंने मुस्तकिल 5 साल लगातार, मेरी ड्यूटी थी कि HRCP के सारे स्टाफ की ट्रेनिंग करनी है, और वो पूरे पाकिस्तान के स्टाफ आते थे और लाहौर में हेड ऑफिस में, और उसमें जो कमाल की बात थी, एक तो कमाल की बात ये थी कि रहमान साहब पूरे 2 दिन की ट्रेनिंग में फुल अटेंडेंस उनकी होती थी, और ये मैंने बहुत कम देखा है, लोग जो है वो इस तरह नहीं करते, वो अपने स्टाफ को आगे कर देते हैं, लेकिन वो खुद अटेंड करते थे, और फिर जब ट्रेनिंग सेशन चल रहे होते थे तो बकायदा वो हाथ खड़ा करके इजाज़त लेके बात करते थे, यानी वो छोटा सा एक ग्रुप होता था, आप सोचें वो आपने उस कमरे में आप कई दफ़ा बैठी हैं तो वहाँ पे भी वो हाथ खड़ा करके बात करते थे। अब ये जो है ना एक humbleness, humility और respect, ये मतलब it is
मतलब ये मैंने बार बार देखा उनमें। दूसरी चीज उनका जो जो आप लोगों ने सबने नोट किया उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर की, तो अच्छा इससे पहले मैं उस पर बात करने के एक इंटरेस्टिंग वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हम लोग एयरपोर्ट पे थे, लाहौर एयरपोर्ट पे, रहमान साहब भी थे, मैं भी बैठा हुआ था। तो काजी हुसैन अहमद जो उस वक्त जमात इस्लामी के चीफ थे वो दाखिल हुए, और जैसे ही वो अंदर आए तो रहमान साहब खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया, और मैं हैरान हुआ कि रहमान साहब और काजी हुसैन अहमद एक दूसरे से ऐसे गले मिले जैसे कि कोई बहुत ही पुराने यार दोस्त हो, और उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि आप कहें कि ये कोई दिखावा है या कोई सियासी अमल है। वो 100% एक मतलब इजहार था, एक पुरखलूस जैसे एक दोस्ती का इजहार होता है। और ये मेरे लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज था कि दुश्मनी जो है वो सिस्टम से है, कोई अफराद या से सोच सोच से है, कोई किसी फर्द से दुश्मनी नहीं। और ये मेरा ख्याल है वो पैगाम था जिसकी वजह से आपको आइडियोलॉजिकली उनके बहुत दुश्मन मिलते हैं लेकिन पर्सनल लेवल पे कोई दुश्मन नहीं मिलता। बिल्कुल जैसे शफी, बहुत ही अच्छी बात। मैं एक इसी मौजू के साथ ही एक छोटा सा क्लिप, अगर इजाजत हो, अभी हमारे तीन चार दोस्तों ने बात नहीं की है, फैमिली मेंबर से भी करनी है, मगर ये जो आपने दोस्ती वाली बात की ना और कि उनका कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है, इस पे एक छोटा सा मैं क्लिप आपको दिखाना चाहती हूँ। फ्रेंडशिप के ऊपर उनसे मैंने सवाल एक किया था तो बड़ा बड़ा मजे का जवाब दिया उन्होंने। जरूर सर। रहमान साहब, आजकल एक चीज बहुत नई जनरेशन जो है उसमें तंग करती है कि जब नजरियाती तौर पे एक तरफ चलते भी हैं लोग, फिर उससे दो हो जाते हैं, फिर और बाल बराबर फर्क भी आए तो सेपरेशन आती है। आप लोग डिफरेंसेस कैसे दोस्तों में? नहीं, वो उसके मैं आपको एक बात बताता हूँ कि डिफरेंसेस होना बड़ी अच्छी बात है। वो बहुत पहले बिफोर आई बिकेम फुल टाइम जर्नलिस्ट, सर ने ये सौदा समाया कि कुछ फलाह आम का काम करना चाहिए, तो 10-12 हम उम्र लोगों ने जो मुख्तलिफ काम करते थे, छोटे मोटे कमाते थे, बहुत मामूली, ये फैसला किया कि एक स्कूल बनाया जाए जिसमें कि गरीबों को, ऐसे लोगों को जो पार्टीशन की वजह से अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सके, उनको मदद की जाए कि वो, और वो शाम को रखा जाए। तो उस जमाने में जब हम जगह तलाश कर रहे थे तो यहाँ पुरानी नाकड़ी में एक दारू रूम होता था और उसमें जगह बहुत थी। वहाँ गए, मौलवी साहब के पास गए, उनसे कहा कि साहब ये हमारा इरादा है, हम खिदमत खल करना चाहते हैं, और अगर आप हमें कम किराए पे ये जगह इनायत कर दें, शाम को हम यहाँ बच्चों को पढ़ा लिया करेंगे, कुछ किसी का मैट्रिकुलेशन रह गया है, किसी का रह गया जो कम्प्लीट। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप सब लोग दोस्त हैं? कहा बिल्कुल है। तो कभी आपकी आपके आपस में लड़ाई हुई है? मैं बेवकूफी में फौरन कह दिया, जल्दी में कह दिया कि नहीं, कभी नहीं हुई। अच्छा, कभी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि फिर आपको कैसे पता है कि आपकी दोस्ती पक्की है? अच्छा। तो ये जो एक इख्तलाफ होना और इख्तलाफ के बाद उसमें उसको एक ले जाना और फिर दोस्ती को मचा लेना, हमारे साथ जो मसला हुआ वो ये है कि हमारे भी आपस में इख्तलाफ हो सकते होते थे, किसी को कोई चीज पसंद हो, किसी को कोई चीज नापसंद हो, लेकिन चूंकि हम सियासी या सामाजिक ओहदों की तलाश में नहीं थे, मैं ये समझता हूँ जो 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 हम ख्याल लोगों में लिबाब पैदा होता है वो उस वक्त पैदा होता है जब उसको जाह की तलब हो, उसकी वजह से, यानी किसी का प्रोफेशनल टकराव में भी हो सकता है। इत्तेफाक की ये बात है कि हमारा आपस में किसी के साथ प्रोफेशनल तनाजा नहीं हुआ, नहीं वो ठीक है, कभी किसी की एडिटर से कुछ थोड़ी बहुत अनबन हो गई या किसी कुछ बात पर नाराजगी हो गई, लेकिन और दूसरी ये कि उस लाइन में नहीं थे जहाँ जहाँ झगड़े होते हैं।
और मतलब ट्रेड यूनियन में हो सकते थे, लेकिन ट्रेड यूनियन में यह था कि हर वक्त इस बात का एहसास रहता था कि जो दूसरे लोग हैं या जो मुखालिफ हैं या जो मालकान के नुमाइंदे हैं या हमसे नजरियाती तौर पे इख्तलाफ रखते हैं या ट्रेड यूनियन को सबोटाज करना चाहते हैं, उसका खौफ इत्तेहाद को रहता था, उसका खौफ इत्तेहाद को जोड़ के रखता था। और जैसे लफ्ज बोला ना, दोस्ती बचा लेते हैं, जब इख्तलाफ होते हैं वापस आपस में जुड़ते हैं और दोस्ती को बचा लेते हैं। एक एक लफ्ज में इतना मीनिंग है रहमान साहब के। तो जफरुल्ला मैं आपकी तरफ आऊंगी। सहर आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है तो आपको सलाम। और आप देखो हम सारे साथी मिलके बातें कर रहे हैं और कितने प्यारे प्यारे क्लिप्स। अभी एक बड़ा कीमती सा क्लिप है जो मैं आखिर में चलाऊंगी। मैं जफरुल्ला आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप अपने कमेंट्स कुछ। मैंने तो बात कर ली, मेरा ख्याल है नियाज है और तनवीर है, उनसे बात करने का मौका। बातें तो बहुत की जा सकती हैं, लेकिन मैं चाहूंगा, मैं तो अपने हिस्से की बात पहले कर चुका तो मजीद तनवीर के पास आते। जी जी तनवीर के पास आ जाते। तनवीर आप। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। और मेरे पास तो इतनी बातें हैं कि अगर आप सिर्फ मेरे साथ ही बात करना शुरू करें तो कई दिन गुजर जाएंगे। मेरी बड़ी खुशकिस्मती ये रही कि मैं चूंकि स्टूडेंट लाइफ में डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन की मेंबर बन गई, तो मुझे रहमान साहब से 1983 में पहली मर्तबा मिलने का मौका मिला शमीम अशरफ मलिक के घर। ये उनके बहुत करीबी दोस्त थे और जो इत्तफाक हसीन है वो ये है कि मैं संत नगर में रहती थी और संत नगर में तीन अजीम शख्सियतें जो है वो रहती थी। अमीन मुगल साहब रहमान साहब के बहुत करीबी दोस्त, कल उन्होंने जो HRCP ने रेफरेंस रखा था उसमें बड़ी तफसीली बात की। प्रोफेसर मंजूर साहब जो कि सरमद मंजूर के वालिद हैं, और एक प्रोफेसर असरार साहब थे जो मौसीकी वाले थे। ये डॉक्टर इसरार ना समझिएगा प्लीज़, मेरा दूर दूर तक डॉक्टर इसरार से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये प्रोफेसर इसरार थे, फिजिक्स के उस्ताद थे, लेकिन मौसीकी इनका पैशन था। और हम देखेंगे जो तराना कहें फैज साहब का या नगमा कहें, उसकी तर्ज जो है वो प्रोफेसर इसरार साहब ने बनाई हुई है। तो वो मेरे दिल मेरे मुसाफिर, हम देखेंगे, खोल आँख जमी देख, फलक देख, फिजा देख, तो ये सारे लोग जो थे ये एक लिहाज से मेरी अल्टरनेट फैमिली थी, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में तो ना लड़कियों की तालीम को इतनी अहमियत दी जाती थी, और ऐसी लड़की जो सियासत में भी आना चाहे वो तो बहुत बड़ी बगावत कंसीडर होती थी। तो दिस वॉज माई अल्टरनेट फैमिली जिन्होंने मिल के मुझे ग्रूम किया। और बड़ी ज्यादती होगी अगर मैं एक शख्सियत का जिक्र ना करूँ, वो थे प्रोफेसर डॉक्टर मुबशर हसन। मैं स्टूडेंट लाइफ में डॉक्टर मुबशर हसन की रिसर्च असिस्टेंट थी, उनका एक दफ्तर होता था टेम्पर रोड पे, कॉन्टेम्प्रेरी स्टडीज। डॉक्टर साहब ने भी दुनिया जहान के तजर्बे किए ना, आज़ाद पाकिस्तान ग्रुप, इंडिपेंडेंट प्लानिंग एंड कमीशन ग्रुप, दोस्त जो है वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में ये सारे दोस्त इकट्ठे होते थे। तो मुझे बहुत छोटी उम्र से इनसे सीखने का और इनसे जो है वो इक्तसाब फैज करने का मौका मिला। जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं रहमान साहब के हवाले से करना चाहूँगी और फिर अहमद रहमान के हवाले से करना चाहूँगी, क्योंकि मैं रहमान साहब से मेरा अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन मेरी अहमद से बहुत ज़्यादा दोस्ती है, क्योंकि अहमद मैं और एलएस फैज एक ही कमरे में HRCP में बैठते थे जब हम इकट्ठे काम करते थे। सो दिन रात का रिश्ता है। और दूसरा ये कि चूँकि मेरा अपना आइडियल ज़िंदगी में जो है वो स्टूडेंटशिप से ज़्यादा जो है वो पीपल और टीचर्स के रिलेशनशिप में है ना, जैसे प्लाटो की एकेडमी थी या अरिस्टोटल की लाइसियम थी, या आप दिन रात जो है वो अपने उस्ताद के साथ रह रहे हैं और ज़िंदगी के हर लम्हे से सीख रहे हैं। तो मेरा इन दोस्तों से जो है वो वाला रिश्ता था जहाँ आप हर लम्हे से सीखते हैं। जो दो तीन चीज़ें मैंने रहमान साहब से सीखी और जो मेरी अपनी ज़ात का भी हिस्सा बन गई बाद में, एक तो ये है कि रहमान साहब की ज़िंदगी में जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो एक्टिविज्म और इंटेलेक्ट का बहुत खूबसूरत ब्लेंड थे। हमारे यहाँ जो है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ हम प्योर इंटेलेक्चुअल होते हैं
یا ہم پیور ایکٹیوسٹ ہیں. ان دونوں کے اندر جو ہے وہ ملاپ بہت کم شخصیتوں میں دیکھنے کو ملا. تو وہ آپ کو سڑک میں آپ کے ساتھ جلوس میں بھی کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ بڑی پر مغز جو ہے وہ تقریر اور تحریر جو گفتگو سے بھی جو ہے وہ آپ کی بہت ساری ٹریننگ کر رہے ہوتے تھے. تو جب ایک دن جو ہے وہ ڈیموکریسی پہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کوئی بات کی ہوگی تو انہوں نے کہا لیٹ می میک اٹ ویری ویری کلیئر تنویر کہ ڈیموکریسی کی اساس جو ہے وہ میجارٹیرین پرنسپل نہیں ہے. ڈیموکریسی کی جو اساس ہے وہ اکوالٹی آف سٹیزن شپ ہے اور وہ اکوالٹی آف ہیومن بینگ ہے. یہ ایسی چیز تھی کہ جو مجھے جو ساری زندگی جو ہے کا پھر حصہ بن گئی کہ ضروری نہیں ہے کہ اکثریت صحیح فیصلہ کرے, وہ انتہائی غلط فیصلہ کر سکتی ہے. ہمارے ملک میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے کہ اکثریت کافی غلط فیصلے کر رہی ہے. لیکن آپ نے جمہوریت کا حصہ اس طرح نہیں بننا کہ آپ نے ایک ریوڑ کا حصہ بن جانا ہے. آپ اپنے اختلاف کو بالکل آرام سے جو ہے وہ ایکسپریس کر سکتے. دوسری چیز جو ان کے اندر میں نے سیکھی اور دیکھی ہے اور جو لرن کر کے اپنی ذات میں بھی ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ اٹموٹ ٹرانسپیرنسی تھی. میں نے اپنی پوری زندگی کسی بندے کو رحمان صاحب کے اوپر انگلی اٹھاتے نہیں دیکھا کہ انہوں نے یہ پیسہ ادھر کر دیا یا ادھر کر دیا. اس طرح کی فائنینشیل ٹرانسپیرنسی ہمارے ملک میں ایسے ایسے بڑے عہدوں پہ رہنے والے لوگوں کے نصیب میں کم آتی ہے. تو یہ ہم نے سیکھا کہ آپ جس بھی عہدے پہ ہوں, وہ یہ کہتے تھے کہ جو سارے لوگ اب جو کرپشن کا معنی سمجھتے ہیں رحمان صاحب اس سے تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹلی ایکسپلین کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ کرپشن خیالات کی بھی ہے, کرپشن جو ہے وہ اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال کی بھی ہے, اور کرپشن پیسے کی بھی ہے. سو آپ نے بچنا ہے ان ساری چیزوں سے. تو وہ جو ایک ان کے اندر ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ تھا وہ ہم نے کوشش کی کہ ان کے جو ہے وہ ٹرو شاگرد ہونے کا ثبوت دیں, تو یہ اپنے اندر ڈالنے کی بہت ضرورت محسوس کی. ایک اور چیز جو مجھے جو ہے وہ رحمان صاحب کی ذات میں جو ہے وہ سب سے اچھی لگتی تھی وہ یہ تھا کہ چاہے کوئی جو ہے چار بندوں کی تنظیم ہو چاہے 400 لوگوں کی تنظیم ہو, وہ ہر ایک کی دعوت پہ ایک ہی طرح سے جو ہے وہ یس کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. تو کبھی کبھی میں ان سے کہتی تھی رحمان صاحب آپ تھک نہیں جاتے, صبح ادھر ہوتے ہیں, دوپہر ادھر ہوتے ہیں, شام کو ادھر ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بھی ایک جو ہے وہ تنویر مان ہوتا ہے دوسروں کا کہ ہم اس شخص کو بلائیں گے تو یہ پہنچے گا ضرور, اس کی رسپیکٹ کرنی تھی. سو کچھ چیزیں ایسی تھی جو وہ ایسے سکھا گئے ہیں سٹل طریقے سے کہ جس کا کبھی انہوں نے یہ احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. یہ جو احمر نے ابھی کہا یہ میں نے بہت دفعہ سنا ہے احمر سے کہ میں نے آئی رحمان نہیں بننا. تو میں اور وجاہت اس سے مذاق کیا کرتے تھے کہ آئی رحمان بننا صرف خواہش کا معاملہ نہیں ہے, اس میں بڑی محنت لگتی ہے اور وہ تم کر نہیں سکتے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام عظیم جو ہے وہ انسانوں کے بچوں کا المیہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی اتنی بڑی جو ہے وہ گھنی چھایا ہوتی ہے کہ ان کو اپنا آپ بنانا جو ہے وہ بہت مشکل اس میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے. جیسے جو ہے میری اپنی بیٹی کا بھی یہ مسئلہ, ذرا وہ اتنا کام کرے گی اتنی محنت کرے گی, کبھی میں اس کی کوئی پوسٹ شیئر کروں تو نیچے لکھا ہوتا ہے وجاہت مسعود ترویج جہاں کی بیٹی, وہ کہتی ہے اماں یہ سارا جو ہے نا جتنی مرضی میں افورڈ کر لوں کنٹریبیوشن آپ کا ہی ہے. میں نے کہا ہمارا کنٹریبیوشن پیدائش کا اور ٹریک پہ رکھنے کا, باقی آپ کی محنت ہے. تو یہ المیہ جو ہے وہ باقی بچوں میں رحمان صاحب کے اتنا نہیں تھا جتنا ہم نے جو ہے وہ احمر میں ایکسپیرئنس کیا ہے. اور یہ بہت دفعہ ہماری ڈسکشن ہوئی اور میں اس کو سمجھتی تھی کہ یہ کیوں اس کے اندر جو ہے کہ میں نے اپنی شناخت بنانی ہے, این سی اے جانا تو خود داخلہ لینا ہے, میں نے جو ہے وہ رحمان صاحب کا ریفرنس کم یوز کرنا ہے. لیکن آج جب میں اس کی پوسٹ پڑھ رہی ہوں تو مجھے جو ہے وہ بہت مزہ آیا کہ جس احمر نے ساری زندگی مجھے جو ہے وہ ایک اور ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ بات کہی, آج اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ابو جی کاش ہم آپ جیسے ہوتے, ایک پوسٹر بنایا ہوا ہے. اور پھر اس نے چار جو ہے وہ اس کے اوپر لکھے ہوئی ہیں لائنیں جس میں اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں گیا تو یہ ہوا اور کوئلہ ہی رہا اور یہ نہیں ہو سکا, لیکن جو ہے وہ
मैं कैसे आईए रहमान नहीं हो सकता। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आप जो डिफाइंस की लड़ाई लड़ रहे होते हैं ना उस वक्त अपनी स्पेस क्रिएट करने के लिए, उसमें हरगिज़ ये नहीं होता कि आपने कोई डिसोन कर दिया। आपको यूँ लगता है कि मेरी हर एक का एक आइडेंटिटी का इशू है ना, मेरी आइडेंटिटी क्या होगी अगर मैंने सारी ज़िंदगी जो है रेफरेंस कोड करना। लेकिन मुझे पता है कि जब कल उसका मुझे फ़ोन आया, मैंने अभी तक उसे फ़ोन नहीं किया था, मैं अशर को मिली थी, अहमद से मेरे लिए मिलना बहुत मुश्किल था, तो उसने मुझे कहा कि मुझे पता है तुम्हें हौसला नहीं पड़ रहा मुझसे बात करने का, और मुझे वाकई नहीं पड़ रहा था क्योंकि जो उसके साथ मेरे रिलेशनशिप की नौीयत है वो बिल्कुल ऐसे जैसे दो बहुत ही करीबी दोस्त आपस में बहुत कुछ शेयर करते। मैं सिर्फ एक जो है वो चीज़ कोट करना चाहूँगी कि मैं 1995 में मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन किया, लेकिन मेरा ताल्लुक रहमान साहब से बहुत पुराना था और बहुत करीबी था। तो मुझे डॉक्टर मुबशर ने कहा कि HRCP को कोई प्रोजेक्ट मिला और तुम जो है वो जाके रहमान को मिलो, वो तो रहमान ही कहते थे। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने रहमान साहब को फ़ोन किया, मैं मिलने चली गई तो एक फॉर्मली जो है वो रहमान साहब और आसमा बैठे हुए थे, तो इन्होंने बातचीत शुरू कर दी। आखिर में मुझसे आसमा ने सवाल पूछा कि तनवीर आप सैलरी कितनी लेंगी हमसे, तो मैंने रहमान साहब की तरफ देखा। आसमा से बैफ के ज़माने की बड़ी दोस्ती थी, लेकिन आसमा से रिलेशनशिप और था, रहमान साहब से और था। तो मैंने रहमान साहब की तरफ देख के आसमा को कहा कि मैं रहमान साहब से आने टके का हिसाब नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता कि क्या सैलरी है क्या नहीं है, लेकिन मैं तो काम करने आई हूँ और ये खुशकिस्मती है कि मैं रहमान साहब के साथ काम करने आई। उन्होंने मुझे जो है वो कोट किया जो कुछ प्रोजेक्ट में जो है वो रखा हुआ था। नहीं, उन्होंने मुझसे जो है वो पूछा कि अच्छा ये बता दो कि पिछली सैलरी कितनी ली है। आई एम टॉकिंग अबाउट 1995। मैं एक इदारा छोड़ के आई थी जिसमें मैं 25,000 रुपये तनख्वाह लेती थी, तो मैंने कहा 25,000 ली थी। तो कहती हैं इतने तो हम रहमान साहब को भी नहीं देते। तो मैंने कहा मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं उनके कॉम्पिटिशन में, यू आस्क मी आई टोल्ड यू। सो उनके नज़दीक जो है वो काम जो है वो पैसे में नहीं तोला जाता था, काम कमिटमेंट से तोला जाता था। पैसों की सबको ज़रूरत होती, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन किया था जो जिस पे वो 50,000 की सैलरी पे आए थे, उस वक्त उन 12 लाख रुपये ऑफर कर रहे थे एडिटरशिप की, ही डिड नॉट एक्सेप्ट दैट। तो ये बीमारी हम में भी आ गई और यही वजह है कि हर वक्त जो है वो ये ख्याल रहता है कि घर का खर्चा कैसे पूरा होगा। लेकिन ये जो है वो ज़रूर फ़ख्र है कि हम जो है वो अभी शायद जो है वो आखिरी नस्ल के नुमाइंदे हैं जो उनकी लेगेसी को और लेके जो है और उनकी वैल्यूज़ को, मैं आई डू वैल्यू हिज वैल्यू फ्रेमवर्क, क्योंकि वो जो उनका वैल्यू फ्रेमवर्क है ह्यूमन इक्वालिटी पे बिलीव करना, ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेसी, और जो है वो जब हम किताब भी कंपाइल कर रहे थे उसका भी मैं ज़रा सा तस्करा कर दूँ। फौजिया ने मुझे लाहौर में मुलाकात की और कहा कि हम रहमान साहब के लिए ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम से सिर्फ 5 दिन पहले की बात थी। तो तनवीर तुम क्या कर सकती हो? तो मैंने कहा बता दें हमारे जिम्मे क्या काम है। कहने लगी तुम सोचो क्या कर सकती हो। मैंने कहा अच्छा मुझे समझ आ गई मैं क्या कर सकती हूँ। और उन 5 दिनों में मैंने 20-20 घंटे काम करके रहमान साहब की जो है वो किताब कंपाइल की, और ये वो सारे मजामीन थे जो हम अपने मंथली न्यूज़लेटर में रहमान साहब के अंग्रेज़ी से उर्दू में ट्रांसलेट करके जो है वो छापा करते थे, और उसको जो है 4 हिस्सों में डिवाइड किया जो रहमान साहब की शख्सियत के 4 हिस्से थे। उसमें डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ पे जितना उनका काम था उसको उस खाने में डाला, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में औरतों बच्चों मजदूरों और जो है माइनॉरिटीज़ के लिए जो वो लिखते रहे वो डाला, फिर उनकी जो सारी पीस एफर्ट्स थी पाक इंडिया पीस के हवाले से वो डाली, और वो जो चूँकि कल्चरल जो है वो राइटर के तौर पे भी बहुत सारा काम करते थे, तो उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके हमने एक किताब जो है वो कंपाइल की। और उसके मुझे याद है मेरी वजाहत की और जो है अमजद सलीम मिन्हास की 2-3 घंटे डिस्कशन रही। मैं अड़ी हुई थी कि मैंने इस किताब का नाम जो है वो आशुफ्ता सरी का कर्ज रखना है, क्योंकि मुझे वो शेर बहुत पसंद है, मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। तो वो ये केक ये लगता है इससे कि ये शायरी की किताब है। मैंने कहा रहमान साहब की नसर भी शायरी ही है सारी,
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शायरी लगती है या नसर लगती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो आशुफ्ता सरी जो उनमें थी वो थोड़ी सी हम में भी आई, ये सब उस कर्ज की अदायगी का मामला है। ले जी, जिस वक्त जो है वो हम लाहौर से इस प्रोग्राम के लिए जो है वो रवाना हो रहे थे, हम एक घंटा लेट हुए क्योंकि किताबें मिलने में एक घंटे की ताखीर थी। मुझे आज भी ये अफसोस है कि उस किताब पे मैं रहमान साहब से अपने लिए कोई साइन नहीं करा सकी। या इस अफसोस के साथ आपकी तस्वीर बहुत प्यारी है तनवीर, जब आप प्रेजेंट कर रहे थे। मैं आपको बताती हूँ, नहीं मैं रहमान साहब की पूरी शख्सियत बताती हूँ ना, मैं इस अफसोस के साथ वापस आई क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग साइन करा रहे थे, तो गाड़ी में मैंने कहा कि मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा, अब मैं रहमान साहब के पास किसी दिन किताब लेके जाऊंगी साइन कराने के लिए। चार दिन के बाद मुझे जो है वो डाक के जरिए खत मौसूल हुआ, अंग्रेजी में लिखा हुआ था और रहमान साहब का खत था, और उन्होंने मेरा इतना शुक्रिया अदा किया उस किताब के हवाले से। उन्होंने कहा तनवीर मेरे और आपके ताल्लुक में बहुत अच्छी बातें हैं, हम जो है वो बहुत जो है वो एक दूसरे के करीब रहे हैं, अच्छे दोस्तों की तरह भी रहे, लेकिन ये एहसान जो आपने मेरे ऊपर किया है ना, मैं इसके लिए सारी जिंदगी आपका शुक्र गुजार रहूंगा। खत मेरे पास महफूज है अभी भी। क्या बात, मुझे ये लगा कि यार इतनी सी एफर्ट थी, लेकिन रहमान साहब का जो तशक्कुर है वो इसकी कहीं बड़ा था, तो उनसे बड़ा आदमी जो है वो जिंदगी में जो है वो अब दोबारा ढूंढना और फिर उस तरह का ताल्लुक उनके साथ जो है वो एंटरटेन करना मुझे लगता है कि मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि हमारी जो खासतौर पर मैं अपने बारे में कहती हूँ मेरी रफाकतें बहुत तवील होती हैं, और उनसे कोई ये चला जाए उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, रहमान साहब की रिप्लेसमेंट कम अज कम जिंदगी भर नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब जैसे मैंने कहा था एक हमने सेव किया हुआ, उनका क्लिप बड़ा अच्छा है, लेकिन वो फैमिली से बात करने से पहले करूंगी। नियाज, अब आप अगर कुछ कहें। जी फजिया, बहुत शुक्रिया, जैसे सबने कहा कि ये मौका मेरे ख्याल में बहुत जरूरी था कि हम सबको मिले, कि उस दिन के हालात जो थे और फिर ये कोविड की वजह से जो लोग वहाँ पे जमा नहीं हो सके उनको इस तरह जमा करना मेरे ख्याल में इट्स अ ह्यूज सर्विस हमारे अपने सोल के लिए, अपने आप को कंसोल करने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बातें बहुत हैं मेरे ख्याल में, दो रहमान साहिबान हैं जिनको हम सब जानते हैं, एक रहमान साहब को हम कलेक्टिवली जानते हैं जिसको पूरी दुनिया जानती है, और एक रहमान साहब मुझे इन चार पांच दिनों में वो नजर आए हैं जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जिस तरह की स्टोरीज बाहर आई थी कि हर शख्स के पास एक अपनी कहानी थी, वो इतने सारे रहमान साहब हैं जिनके बारे में एक एक छोटी छोटी स्टोरी, उन्होंने छोटा छोटा अपना टुकड़ा शायद हम सबको दे दिया था अपनी जात का, कि ये न्याज के लिए, ये फौजिया के लिए, ये तनवीर के लिए, ये किसी के लिए, तो इस तरह का अपने बच्चों के लिए, हाँ ये अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए। अहमर की बात तो हो रही है बार बार, तो अहमर की बात पे मुझे मुनीरा हाशमी की एक बात याद आई कि मैं फैज़ साहब की जिंदगी में कहती थी कि भाई क्या ये क्या तमाशा है कि हर कोई कहता है कि फैज़ की बेटी में पीटीवी की प्रोड्यूसर में ये में वो, तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन जब फैज़ साहब चले गए तो मैं कहती हूँ कि काश मुझे दुनिया हमेशा इसी तरह पहचाने कि मैं फैज़ अहमद फैज़ की बेटी हूँ, तो शायद अहमर भी इसी तरह की सूरत हाल से, जैसे उन्होंने बताया तनवीर ने कल की जो पोस्ट है उनकी इस तरह क्या हुई है। रहमान साहब के साथ आप अंदाजा करें कि जैसे जफर अली खान ने कहा कि हमने आज थर्सडे को उनका कॉलम मिस किया, तो मैंने भी आज के दिन में जैसे आपने कहा भी था कि बात करनी है, तो मैंने उनके कॉलम ही पढ़े आज पूरा दिन बैठ के और सिर्फ मैंने चार पांच जो उनके एक हफ्ते या डेढ़ महीने के अंदर के कॉलम है, वो इतने आप अंदाजा करें कि उनका आखिरी कॉलम जो है जो चार दिन पहले वाला है वो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक कल्चर के बारे में है और जो सियासत को सीरियस लेने के बारे में है, उससे पहले वाला एक कॉलम जो है वो इस हवाले से कि हम पार्लियामेंट किस तरह का चाहते हैं, हम किस तरह का पार्लियामेंट चाहते हैं, इसी तरह ये पिछले तीन चार हफ्ते के कॉलम है जिसमें उन्होंने इस तरह की बातें की हैं कि जी द सिस्टम टेक्स केयर ऑफ द रॉटन एग्स, हमारा सिस्टम ही नहीं सपोर्ट करता कि हम सिटीजन्स की जो इक्वलिटी है उसके ऊपर बात करें, और ये पॉलिटिक्स नहीं है कि सिटीजन्स इसमें इक्वल ना हो। तो ये तो सिर्फ उनका एक महीने की जो चीज़ें थी जो मैं पढ़ सका और जो मैं देख सका उसमें है, लेकिन जो उनका जो ज़ाती ताल्लुक था हर किसी के साथ छोटा छोटा, मतलब मैं 2005 या 6 के बाद उनको जानता था, और मेरी पहली एक लंच पे मुलाकात हुई, हमने उनको इन्वाइट किया था जिस मेरी नौकरी की वजह से, तो मैंने कहा जी आप
की तबीयत क्या क्या खाने की इजाजत देती है, आप क्या खाते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई इस उम्र में जो है ना मैं डरता रहूं कि मैं क्या खा के मर जाऊंगा, तो ये तो नहीं हो सकता, आपने जो ऑर्डर करा है ऑर्डर करें, मैं खा लूंगा। तो उस तरह उसके बाद राती तौर पे जितनी मुलाकातें होती रही। अब जैसे वो बच्चों का तारुफ करा रहे थे अमर साहब, वो इसी तरह पिछले साल 21 फरवरी को जो हम मादरी जबानों का मेला करते हैं उसमें आए रहमान साहब, आप ही के ऑफिस में खोदिया बैठे हुए थे और कोई कम अज कम 2-3 टीवी के कैमरे थे जो उनका इंटरव्यू कर रहे थे, और मैंने दरवाजा खोला कि मैं रहमान साहब का सलाम करूं, उन्होंने टीवी कैमरे रोक दिए और कहा कि जी न्याज साहब आए मुझे उनसे मिलना। मतलब ये इस तरह की इज्जत देने वाले, इस तरह का एहतराम देने वाले, और मैं उनके सामने क्या हूँ, या मेरी उम्र देखें, तजर्बा देखें, या स्टेचर देखें, किसी भी लिहाज से मैं इतनी इज्जत का मुस्तहिक नहीं था उनकी, लेकिन उनका शायद ये रवैया हर किसी के साथ था। वो शायद जैसे तमीर ने कहा कि 3 लोगों की तंजीम हो उनके बुलाने पे भी आ जाते थे। पहले मैं समझता था, मुझे जो तसली हुई, पहले मैं समझता था कि ये हम नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट अमेरिकी और जर्मन इदारों की तनख्वाह पे जो डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं हम पाकिस्तान में, तो शायद हमारी जो वैल्यू है वो मिलते तो थे, वो आते भी थे, जब बुलाए पहुंच जाते थे, लेकिन मेरी अपनी तसली नहीं होती थी। मैं कहता था कि रहमान साहब हों, असमा जहांगीर हों, वो शायद हमें हमारे इदारों की वजह से पहचानते हैं, हमारी जात की वजह से नहीं पहचानते। लेकिन जब हमने ये मादरी जबानों के हवाले से जब काम करना शुरू किया, तो मेरी अपनी जाती तसली ये हुई कि अब रहमान साहब मुझे इस तरह जानते हैं कि मैं कुछ अपनी नौकरी के अलावा भी कोई काम करता हूं, और उसको उन्होंने उस तरह रिकॉग्नाइज भी किया, उन्होंने उसको पहचाना भी, उस पे आए भी। मैं एसडीपीआई के कॉन्फ्रेंस में भी इसी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के मौजू पे साथ थे एक पैनल में, और मुझे जो दिली खुशी हुई रहमान साहब के करीब होने की वो उस वक्त जब मेरा वॉलंटियर काम जो है उनके सामने आया। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन एक आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि जो पीर के दिन उनकी डेथ हुई है, और उससे बिल्कुल एक हफ्ता पहले जो पीर था उस पे मेरा उनके साथ आखिरी रब्ता हुआ, और वो देखें कि वो क्या हुआ कि हमने एक स्टेटमेंट जारी किया कोई 200-300 दानश्वरों की बिहा पे अमर जलील की हिमायत में, और हमने उनको भेजा, मैंने भेजा व्हाट्सएप पे कि रहमान साहब आपकी एंडोर्समेंट चाहिए इस स्टेटमेंट के लिए। तो उन्होंने वो आखिरी मुझे मैसेज किया, विद इन आवर्स आ गया था वो, कोई बहुत देर भी नहीं की थी उन्होंने, विद इन आवर्स उन्होंने कहा कि प्लीज इंक्लूड मैंने। तो ये उनका समझें कि जो आखिरी आयाम थे वो भी इसी तरह की सरगर्मियों में, 4 दिन पहले के नाम सामने आते थे, बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन छोटे से छोटे काज के लिए और किसी भी बड़े से बड़े काम के लिए उनका फौरी तौर पर अवेलेबल हो जाना, फौरी तौर पर, ये नहीं देखना कि ये किसने बुलाया है, किस लिए बुलाया है, कास को देखते थे। आप देखें दो साल पहले उन्होंने कराची लिटरेचर फेस्टिवल में कीनोट स्पीकर के तौर पे आना था, और उस दिन कोई फ्लाइट्स नहीं चली, कुछ कोई गड़बड़ हो गई थी, तो वो कोई 20 घंटे बाय रोड ट्रेवल करके कि जी मेरी कमिटमेंट है, मैंने कराची लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचना है, तो हारिस खलीक के साथ वो बाय रोड पहुंच गए, और एवरीबॉडी वाज सरप्राइज, सबने कहा कि जी रहमान साहब जो है वो कीनोट स्पीकर हैं, ही वुडन बी यू नो कमिंग, लेकिन ही वाज देयर। और ये उनके कमिटमेंट का आलम था, और ये देखें 88 ईयर्स उस वक्त उनकी उम्र थी, और उन्होंने कहा कि जी मेरी कमिटमेंट है तो मुझे पहुंचना है। तो ये इस तरह की कमिटमेंट वो कराची लिटरेचर फेस्टिवल के साथ हो, या हमारे मादरी जबानों के फेस्टिवल के साथ हो, लीस्ट नोन काज के साथ हो, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट या वाइडली नोन कास्ट के साथ हो, वो एक ही तरह की कमिटमेंट के साथ मिलते थे। मेरे ख्याल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत दिल हल्का हुआ है वैसे इतलाज साहब से लेकर फरत साहब की बातें, बाकी सब लोगों की बातें सुन के। एक ये बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि हिज लाइफ वॉज वर्थ सेलिब्रेटिंग, नोबडी कैन बी रहमान साहब, हम उनको हमेशा मिस करते रहेंगे, लेकिन ऑफकोर्स के जो कुछ मौजूद है उसको कंपाइल भी किया जाए, दोबारा पब्लिश भी किया जाए, ट्रांसलेट भी किया जाए, हर तरह से उसको प्रमोट किया जाए, और यही मेरे ख्याल में उनको सेलिब्रेट करने का बेहतरीन तरीका है। थैंक यू न्यास। आप सारे दिन उनके कॉलम पढ़ते रहे, मैं रात 2 बजे तक उनके पुराने वीडियोस देखती रही, इतना मजा आ रहा था, सोने को दिल ही नहीं कर रहा था, उनकी बातें ही सुनते जा रहे थे। तनवीर आपने कुछ दिखाना था, आप कह रहे थे ये जो उसने भी पोस्ट लगाई है, आपका म्यूट है, आप अपना माइक ऑन करना लिया, अगर आप निकाल लें उसमें से फेसबुक से जो अभी अभी अमर ने किया है तो
बड़ा एक इंटरेस्टिंग पोस्टर है जिसमें रहमान साहब की तस्वीर है और साथ जो है वो उसने लिखा हुआ है, शुक्रिया अब्बू जी, काश हम आप जैसे होते, इतने बरसों सुखनवरों के साथ रहे, फिर भी कोयला कभी गौहर नहीं बना, सेचे तो मान से थे, उम्मीदें थी खूब तर, लेकिन कोई अहमर कभी अख्तर नहीं बना। रहमान साहब को घर में अख्तर कहते थे ना, और रहमान अख्तर उसने वो वाला इस्तेमाल किया। अरे वाह, रहमान अख्तर, अख्तर रहमान, वो मुझे लगा कि रहमान अब जो है वो इन फैक्ट जो है वो मिस करेगा, क्योंकि पहले तो कोई बात होती थी तो वो अब्बा के पास चलते, अब्बा से कर लेते, लेकिन अमर के लिए अब जरा ज्यादा जज्बाती मामला होगा। अमरीन बैठी है, मैंने अमरीन के साथ भी थोड़ा बहुत जो है वो काम किया हुआ है GHS में, तो कट्ठे जो है वो गपशप होती रहती थी अक्सर। अशर के साथ भी बहुत ज्यादा जो है वो दोस्ती है। सहर चूके जो है वो ब्याह के जल्दी कराची चली गई थी, तो वो वाला जो है वो तो बस सबका डिफरेंट एक रहा। लेकिन ये है कि अगर मैं छोटा सा क्लिप दिखाना चाहती जी, मैं वो कह रही हूँ कि ये रहमान साहब के सिर्फ बच्चे नहीं है, रहमान साहब हर एक में थोड़े थोड़े हैं, तो हम जो है वो जब भी कभी मिलेंगे तो मैं तो पौधे कहती हूँ, हम सारे उनके पौधे हैं, जो जो हमारा आउटपुट है ना वो उनको ही क्रेडिट जाता है, हम उनके लगाए हुए पौधे हैं और हम लाखों में हैं जी और सारे पाकिस्तान में फैले हुए। मैं ये कहना चाह रही थी तनवीर, आपकी तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, मैं बहुत दूर हूँ बहुत सारी चीजों से, लेकिन आपने कहा कि बच्चे रहमान साहब के नहीं, आप सभी लोग जो है ना वो हमें आपसे मिलके मतलब मैं नहीं जा सकी उनके पास इस वक्त, लेकिन मैं रोज यहाँ बैठी होती हूँ क्योंकि मुझे बस यहीं पे अब्बा हैं आप लोगों के साथ। और मुझे इतना अच्छा लगा ना कल भी आप आए अमरीन, मुझे मालूम है कि इतने दुखी दिल के साथ, लेकिन मेरा यही दिल कर रहा था कि हम कनेक्ट करें आपस में, क्योंकि हमारा सारों का ना कंसर्न, और जैसे एतजाज जी ने कहा कि सेलिब्रेशन एक ही जैसी है ना, हमारी शेयर्ड है। मैं थोड़ा सा एक बार जब मैं इनके बहुत सारे इंटरव्यूज कर रही थी, आपको भी याद होगा अमरीन, तो रहमान साहब के मुख्तलिफ मौजूआत पर उनके मुख्तलिफ दोस्तों के साथ बिठाकर हमने इंटरव्यूज किए उनके, तो जो उनका फैमिली का इंटरव्यू था उसमें एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप नौजवान थे, आपने मुख्तलिफ फैसले लिए, अब जब आप एक्सपीरियंस्ड हो गए तो आप मुड़ के देखें और दोबारा आपको जिंदगी मिले तो आप क्या चीज डिफरेंट करना चाहेंगे, मैं चाहती थी मैं सुनूं उनका आंसर, तो मैं वो जरा सा क्लिप लगाना चाहती हूँ और फिर उसके बाद हम फैमिली पे आएंगे। कुछ भी आप सहर, आप या अमरीन कहना चाहो जी, आप लगाइएगा। अच्छा, अगर आपको जैसे अब आप रिफ्लेक्ट करते हैं कि जब आप जवान थे तो कैसे सोचते थे, अब कैसे सोचते हैं, अगर आपको रीलिव करना हो या आप सोचें तो कहाँ पर आप क्या चेंज करना चाहेंगे, जहाँ तक फैमिली डीलिंग का ताल्लुक। वो तो मेरा दोबारा जिंदगी गुजारने का इरादा नहीं है क्योंकि एक जिंदगी काफी होती है। दूसरे ये कि मैं शायद दुनिया के साथ चलने की थोड़ी सी कोशिश करूं, नहीं इस दफा इस उम्र में मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं की। अगर दुनिया के साथ चलने से मुराद ये नहीं है कि जो दुनिया कहती है वो मैं करने लगूं, लेकिन जो दुनिया के लोगों के लेजिटिमेट कंसर्न्स होते हैं, जैसे एक मैंने बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी है, मैंने जर्नलिज्म में मैं अच्छे मुआवजा पाने वालों में था, लेकिन मैं मेरे पास अपना घर नहीं है, नहीं क्योंकि मैंने ये इसको कभी ज़रूरी नहीं समझा। ये नहीं कि मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन ये मेरी तरजीहात में नहीं आती थी। तो अगर मैं दोबारा मुझे मौका मिला और मुझ पर दोबारा कुदरत एतबार करे तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो मैं कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैं शायद करूँ दुनिया के हवाले से वो ये कि जो मेरी तबीयत में आम तकलीफ का एहसास नहीं होता जी, तो मैं ये तवक्को करता था कि मेरे घर वाले भी इसी तरह से इन बातों में न पड़ें।
हमारे नज़र में अच्छा इंसान होना ज़्यादा ज़रूरी है बमुकाबले इसके कि हमारे पास दौलत हो या हम बहुत शानदार कपड़े पहने या हमारे पास नई गाड़ी हो। तो इन चीज़ों को चूँकि मैंने मुस्तरद किया और रद्द किया तो अब मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने तौर पर कर सकता था लेकिन मुझे अपने घर वालों से इस किस्म की कुर्बानी नहीं लेनी चाहिए थी तो इतना शायद मैं करूं। और उसकी वजह यह है कि मेरा जो फैमिली का जो पस मंजर है वो कुछ ऐसा ही था। जो मेरे दादा जो थे वो कहने को जमींदार थे लेकिन हकीकत में किसान थे। तो उनके बारे में ये मशहूर है कि वो वही गंदम खाते थे जो अपने हाथ से हल चला के उगाते थे और फिर मेरे वालिद ने कभी इन चीज़ों की परवाह नहीं की तो मैं उस रंग में कुछ ज्यादा डूब के आगे चला गया। तो ये मैं शायद ना करूँगा। इतनी लर्निंग थी एक एक जुमले में कि जैसे जिंदगी का रास्ता दिखा गए। इतनी लर्निंग एक एक लफ्ज जो उन्होंने बोला है। तो मैं अब फैमिली की तरफ आऊंगी। सहर आप कुछ कहना चाहो, अम्बरीन आप कुछ कहना चाहो। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ जब आप दोस्ती की बात कर रहे थे कि अब्बा का क्लिप भी आपने चलाया, मैंने उस वक्त ज्वाइन किया तो अब्बा एक दफा मेरे साथ, क्योंकि यहाँ जब अब्बा आते थे ना तो वो वक्त सिर्फ मेरा होता था क्योंकि वो बाकायदा ख्याल से बाहर होते थे। जी 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 वो मसरूफियात, और हम रहते भी, मैं हूँ भी कैम्ब्रिज में तो यहाँ पे उस तरह की उनकी नहीं, मतलब वो बड़ा ख्याल इस चीज का करते थे कि अपनी कोई कमिटमेंट ना रखें, मेरे अकॉर्डिंगली ही चले। और मुझसे बैठ के फिर हम पूरा वो बनाते थे प्लान कि किस दिन वो कहाँ जाएंगे, तो वो मेरी सारी उसमें इनपुट होता था, वरना अब्बा का जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता था ट्रिप। बल्कि वो समझते थे कि एक दफा मैंने कहा अब्बा इतने बहुत कम दिन हैं तो जरा सा बढ़वा लें, तो उनको पता था कि वो बढ़ेगा नहीं क्योंकि वहां से बुकिंग्स हुई नहीं है और वो है, लेकिन उन्होंने कहा जी आप अच्छा कोशिश कर लीजिए। और मैं सारा दिन दफ्तर फोन करती रही और वहां पे जो साहब अब्बा की ये सारी अरेंजमेंट्स देखते थे ट्रैवल की, वो बेचारे मेरे, उन्होंने बहुत मेरा साथ देने की कोशिश की लेकिन वो मुमकिन ही नहीं था बढ़ना। जब मैं थक हार के आके बैठ गई तो अब्बा ने मुझे मुस्कुरा के देखा और कहा कि चलिए कोई बात नहीं, अगली दफा फिर ज्यादा रुक जाएंगे। उनको मालूम था कि वो नहीं रुक सकते लेकिन उन्होंने कहा कि इसको करने दे जरा थोड़ी देर कोशिश इसको, वरना ये ना बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो जाए कि मैं रुकना नहीं चाह रहा। एक तो ये बात, दूसरी दोस्ती के हवाले से ये बात कि मुझे किसी से शिकायत थी और मैं अब्बा का ड्राइव मैं करती हूँ और अब्बा मेरे साथ बैठे, जब अब्बा मेरे साथ बैठ गए ड्राइव हमने शुरू कर दी तो अब्बा कहीं जा नहीं सकते तो जो बातें करनी कर लो, कैप्टिव ऑडियंस, कैप्टिव ऑडियंस, और सुनते रहेंगे जी जी करते रहते थे अब्बा। तो मैंने कहा अब्बा ये साहब जो है ये वो इन्होंने ये किया वो किया फला, अब्बा थोड़ी देर खामोश रहे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि देखिए आप ये जो बात कर रही हैं ये मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप बहुत वो हैं परेशान हैं इस वक्त और आपको ये फील हो रहा है इस तरह, लेकिन अगर मैं इस तरह से सोचता जैसे आप इस वक्त सोच रही हैं तो मेरा तो कोई दोस्त ही ना होता। तो वो इतनी एक स्ट्रॉन्ग एकदम से आया, बहुत प्यार से उन्होंने कहा, लेकिन जो वो जोर से आके मुझे लगा कि मैं आज तक यही सोचती हूँ कि मैं इससे, मतलब ये किसी से शिकायत या किसी से नाराजगी या ये वो बिल्कुल ही बेकार बात है, करें लेकिन इतनी ना करें कि दोस्ती से ही हाथ धोना पड़े। और एक सिर्फ आखिर में मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मेरे सबसे बड़े भाई अमेरिका में होते हैं असफर रहमान, आपने उनसे भी कांटेक्ट किया, वो उनके टाइमिंग्स ऐसे हैं कि वो काम पे होते हैं इस वक्त तो वो ज्वाइन नहीं कर सके हमें, लेकिन उन्होंने कल रात को भी और आज भी मेरी अभी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मेरी तरफ से सबका बहुत बस उन्होंने अपना सलाम भेजा है, शुक्रिया हम नहीं करेंगे आप लोगों का क्योंकि शुक्रिया की कोई बात नहीं है, अब्बा सबके हैं तो वी ओन हिम एज मच। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बस उनकी तरफ से सबको बहुत सलाम और हम भी अभी तक अपने अब्बा को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इन 3-4 दिनों में और अब्बा के बारे में हमें पता चला है, हमें अब्बा, हम आई रहमान साहब को इतना ज्यादा नहीं जानते, हम अब्बा हमारे लिए जो घर के अंदर आके होते थे वो एक अलग
बिल्कुल, जो आके हमें, मुझे सुबह सैंडविच बना के देते थे जब मैं स्कूल कॉलेज के लिए निकल रही होती थी, बालकनी पे खड़े होते थे कि ये खा के, थोड़ा सा खा के चली जाएं, जल्दी जल्दी किचन में जाके खुद बनाते थे। तो वो एक अलग अब्बा हैं। और रहमान साहब हैं, जिनके बारे में तो मेरे ख्याल है बातें करना कभी भी खत्म नहीं होंगी। लाखों लाखों पौधे लगाए उन्होंने, लाखों जी। बिल्कुल सहर, आप कुछ कहना चाहोगे? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। या किसी हाईटेक बच्चे को बुलाना पड़ेगा। बच्चे कितने तेज हैं सब, है ना? जी। हेलो। हाँ, आ गया जी। बस मैं ये कहना चाहूंगी कि अब्बा के साथ साथ एक अम्मा का भी एक बहुत बड़ा एक साथ था उनका। उन्होंने दोनों का एक साथ था, और उन्होंने कुछ और मैनेज किया हुआ था, अब्बा ने कुछ और मैनेज किया हुआ था। तो वो बस अम्मा का यही था, अपने अब्बा को देखिए बेटा, अपने अब्बा को देखिए, वो कमजोर हो रहे हैं, उनका खाने का ख्याल कीजिए, उनका ये कीजिए। उन्होंने बहुत सेक्रिफाइस, अम्मा ने बहुत ज्यादा अपनी सारी ख्वाहिशें उन्हें घर का, या अम्मा ने कभी इस चीज का वो नहीं किया। जैसे अब्बा थे वो हमें वैसे ही होता कि वो जिस तरह से भी हैं, और अब्बा का ख्याल कीजिए, वो देख कैसे हो रहे हैं, वो कमजोर हो रहे हैं। तो एक दोनों का एक साथ मिलना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक केमिस्ट्री, दोनों की नेचर नीट एंड क्लीन, कोई मिट्टी ना हो, कोई किसी टेबल पे काम करते थे तो 10 दफा उसको साफ करते थे अब्बा, कोई उनका तकिया साफ हो, उनके जूते साफ हो, तो उनकी एक पर्सनैलिटी, एक दोनों की एक जैसी पर्सनैलिटी, तो उसी को। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, बात खत्म करो। मैं कहती कि इस्लामाबाद आते थे ना तो जो रिलेटिव्स यहाँ, हाँ बोले आप जी, मिलकर उनको ही फॉलो करना है हर चीज में। अब्बा है, पूरी लाइब्रेरी है, पूरी एक लाइब्रेरी है उनकी, हर जगह पे उनके चीजें हैं, संभाल के बहुत सलीके से हर चीज को रखना, हर बैग में हर चीज अपनी रखना, हर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई चीज सिलवट ना पड़े हो, कोई आस्तीन। लास्ट टाइम भी कुर्ते की आस्तीन थोड़ी ऊपर हो गई, तो मुझे कहा इसको फोल्ड कर दीजिए, इसको फोल्ड कर दीजिए मेरे यहाँ से। तो वो चीजें बस अल्लाह, बस यही है कि सलीका उनके काम में भी नजर आता है, वही सलीका उनकी ट्रेनिंग्स में भी नजर आता है। जैसे उन्होंने हमें ग्रूम किया, उतने ही सलीके और इतने ही प्यार और ग्रेशियसनेस से। और लार्जर फैमिली जो है, मैं अमरीन आपसे जरा सा बस ये आखिरी बात पूछूंगी कि लार्जर फैमिली जो है उसमें बड़ी इंगेजमेंट थी उनकी। इस्लामाबाद आते थे, जो इस्लामाबाद में रिश्तेदार है वो जरूर मिलने जाते थे, या कराची जाते थे तो अपनी मसरूफियात से जरूर टाइम निकाल के। तो ये भी बड़ा अच्छा लगता था कि कितना वो इंगेज्ड है ना अपनी लार्जर फैमिली में। मुल्तान तो खैर चक्कर लगाते ही थे, मगर ये भी बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज्यादा। अब्बा से जरूर मिलते थे, अब्बा आप उनके पास ही जाएंगे। जी, अभी मेरी आज एक मेरी कजन से बात हो रही थी, तो वो मुझे कह रही थी कि हमें हम बल्कि सारों में, हमें सब में जो है ना, ये इस वक्त ये लड़ाई है कि अब्बा ज्यादा किसके दोस्त थे और सबसे ज्यादा प्यार किससे करते थे। तो मेरी दोस्त, मैं बताऊं, मेरे से एक्चुअली। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज मेरी कजिन ने मुझे कहा कि मैं कराची में थी और वो अपने पेरेंट्स से दूर रह रही थी पढ़ने के लिए, तो अब्बा ने उसको कहा कि मैं जा रहा हूँ कहीं, शायद इंग्लैंड आ रहे थे या कहाँ आ रहे थे, तो उसका एक कोई एग्जाम था, तो अब्बा बस शाबाशी देके और गुड लक कह के चले गए। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक पोस्ट कार्ड आया जिस पे, जहाँ वो थे यूरोप में वहां से, और उस पे लिखा था कि उसका नाम, मेरी कजन का नाम अफशां है, कि अफशां आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक और आपका जो इम्तहान है वो अच्छा हो जाए और ये हो जाए, और वो कार्ड उसने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। और ये चीजें थी अब्बा की। एक और छोटी, क्योंकि इतनी बातें हैं, मैंने कल भी बहुत बातें की और बहुत वक्त लिया, कि अब्बा, अम्मा के इंतकाल के मेरे ख्याल तीसरे या चौथे दिन अब्बा काम पे
चले गए थे, सुबह अपना उठाया बैग और वो बैग अच्छा खासा भारी होता था, तनवीर शायद उससे उसको जानते हुए कि अच्छा खासा उनका वजनी वो बैग होता था, वो किसी को हेल्प नहीं करने देते थे। मैं भागी कि मैं उठा के, तो कह रहे नहीं छोड़िए, और मतलब हाथ झटक देते थे कि, तो दूसरा जरा थोड़ा जज्बाती भी हो जाते थे हम कभी कभार कि अब्बा जी हम मतलब तो एनी हाउ तो फिर उसके बाद अब्बा को इस्लामाबाद जाना था और अम्मा का इंतकाल हुआ है 25 जून को, तो 1 जुलाई को सहर की बेटी का बर्थडे होता है, तो अब्बा का फोन आया इस्लामाबाद से, तो मुझे कहा कि ईमान कहाँ है, मैंने कहा अब्बा ईमान यहीं पे, तो कह रहे हैं कि वो उसकी 8 सालगिरह है तो उसको मैंने विश करना है। तो मैं तो खुद सुबह से ईमान के साथ थी और हम अम्मा के गम में इतने वो थे कि हमने इसका सोचा ही नहीं, जब अब्बा के फोन के बाद फिर हमने उस बच्ची को देखा कि वो वाकई उसका आज बर्थडे, तो ये सारी अब्बा की चीजें हैं और आप लोगों के पास बे इंतहा इसी तरह की बातें। कमाल कमाल था। अच्छा मैं आखिर में चाहूंगी, इससे पहले मैं एतजाज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी टू एंड इट एट द एंड। फरतुल्ला बाबर साहब भी थ्रू आउट हमारे साथ रहे, आई एम सो ग्रेटफुल आपको। इतनी देर आप अपना अनम्यूट कीजिए माइक। मैं मलिया से ये रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि शी हैड होस्टेड दिस होल नशिस्त और कल भी इसी तरह हम बैठे थे, कुछ हमारे दिल हल्के हुए, मेहरगढ़ की तरफ से आपने ये ऑर्गेनाइज किया सबको, आपका बहुत शुक्रिया। रहमान साहब मुझे तो तब बड़ा मजा आता था, फेसबुक पे इतने एक्टिव हो गए थे वो, और मलिया जैसे आपको कमेंट देते थे, कहते थे ये खामोश सिपाही है क्योंकि आप आगे आगे नहीं होते हो, लेकिन आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप कोई कमेंट करना चाहो फिर हम एतजाज साहब से कहेंगे कि वो कंक्लूड करें। जी मैं बस सिर्फ ये कहना चाहूंगी, इतना अच्छा लग रहा है सबकी बातें सुन के, और ऐसे दिल करता है कि जैसे कल भी और परसों आगे भी हम इस तरह की नशिस्तें करते रहें। लेकिन ये जो कल के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग और आज के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग, और जो हमने ट्रिब्यूट किया था उनका आज से 2011 में 10 साल पहले, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग ये सब हम यूट्यूब पे डाल देंगे ताकि जो जो साथी देखना चाहें, बच्चे जो देखना चाहें, और फिर ये जो डॉक्टर फौजिया ने इनकी की थी रिकॉर्डिंग्स, उसको तो मेरे ख्याल तकरीबन 20 साल हो गए या 18 से 20 साल, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं उसमें, तो वो जो है वो भी उसकी 6 DVDs हैं उनकी भी, वो भी सारा यूट्यूब के ऊपर डाल देंगे। मकसद यही है कि जितना हम उनकी बातें सुनते रहें, उन जितनी दफा सुने तो कोई नई बात सीखने को मिलती है। लेकिन मेरे ख्याल यहाँ पे मैं अगर शुरू में फिर बोलना शुरू हो जाऊंगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी बातें सुन सुन के, हर एक से, हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव था, अपने अपने एक्सपीरियंसेस, लेकिन ये बातचीत, उनकी बातें जितना सुनेंगे जितना सीखेंगे, क्योंकि हम सब ने उनके काम को लेके आगे जाना। कह रहे थे कि जितना पहले अपने हिस्से का काम कर रहे थे, अब इसमें हमें रहमान साहब के हिस्से का काम डालना है। सो हर कोई अगर डबल डबल काम करना शुरू हो जाए तो फिर हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी शायद। रफीक का भी एक सजेशन आया सितंबर में, कहते कोई फेस्टिवल हम करें रहमान साहब के काम को सेलिब्रेट करने का, तो दैट इज फौजिया। मैं एक जो है वो छोटा स्टंजा सुनाऊंगी, बहुत कम दोस्त जानते हैं कि वजाहत एक पंजाबी के शायर भी हैं। हाँ। और उनकी एक किताब है वॉल्टन कैंप नहीं मुकिया, जो वॉल्टन कैंप एक आरजी कैंप था जो पार्टीशन पे बना था, तो वो ये कहते हैं कि हम जैसे लोगों का वो वॉल्टन कैंप मुस्तकिल ही हो गया पाकिस्तान में। तो वो रहमान साहब की जिंदगी के ऊपर जो है वो मुझे हमेशा रहा कि वो सेंचुरी करके जाते, लेकिन वो 90 की भी जो उन्होंने इनिंग्स खेली वो भरपूर खेली, और वो लगते हैं जैसे वो ये पैगाम दे रहे हैं। वो आखिरी स्टैंजा बजाती है, एक नज़्म रह गई सी, उसका टाइटल है सजनों मित्रों जी मन्ने ते रज के जीना। सजनों मित्रों जी मन्ने ते रज के जीना, पख पखेरू बन के उड़ना, दुनिया एडी माड़ी नहीं सी, साढ़े नाल ते हाथ होया सी, थां ते वेला रास नहीं आए, आके बैठे सिगरट पीता,
वेला आया उठ के टूट पे। बहुत अच्छे। कल किश्वर नाहिद ने खास एक रहमान साहब के लिए नज़म लिखी है, कल उन्होंने वो सुनाई थी, तो उस पे हमने कल की नशिस्त का इख्तिताम किया था। एतजाज जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारी इस नशिस्त को कंक्लूड कीजिए। एतजाज साहब। फौजिया, ये नशिस्त तो मेरा ख्याल कंक्लूड होने वाली नहीं है, इसको यूं रखिए कि ये इसकी एक किस्त जो है नशिस्त की, उसको हम आज ख़त्म करेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि ऐसी एक साथ इसकी और बहुत सारी सीरियल वाइज आती जाए। और मलिया का मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया करूँगा जिन्होंने आपके साथ मिलके ये प्रोग्राम और हमें ये मौका फराहम किया है, और बच्चों के साथ भी मिलने का, और रहमान साहब की सारी जिंदगी का आता लिए कई जहतें उनकी ऐसी थी, जाहिर है, जो मुझे नहीं इल्म थी। आपको मैं एक ऐसा वाक्या सुना देता हूँ जो जिसका आप सब में से किसी को इल्म नहीं है, ना ही रहमान साहब ने किसी को आश्कार किया, और वो दो चार लोग ही उसके अमीन हैं, तीन थे। जब हमारी 1988 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत बनी, और हमारे आप समझ लें कि बहुत बड़ी मुश्किल से बनी, क्योंकि गुलाम इसहाक खान जो सदर थे वो हमारे खिलाफ थे, मिर्ज़ा असलम बेग जो जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो हमारे खिलाफ थे, और जो ISI के चीफ थे जनरल हमीद गुल वो तो बहुत ही हमारे खिलाफ थे। फिर पंजाब में चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ आ गए थे, जो प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट पे रिसीव करने भी जाना मुनासिब नहीं समझते थे, और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर अकबर बुगती थे, जो के खुद एक वो भी हमारे प्रोग्राम, अगर हम कोई पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम का कोई स्कूल बना देते थे या बिल्डिंग बनाते थे, वो बाकायदा 15 दिन के अंदर अंदर उसको गिरा के और फ़ोन करते थे, तस्वीरें भेजते थे। उस वक्त ये मीडिया मल्टीमीडिया नहीं था, पर बहरहाल के देखो मैंने ये किया है इनके साथ पीपल्स पार्टी। उस मौके पर हम ने जब गवर्नमेंट बनाई, हमारे 96 MNAs थे, और हमें 109 की ज़रूरत थी एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाने की। वो हम कामयाब हो गए किसी तरह, लेकिन जो असलम बेग और गुलाम इसहाक खान जिसको चाहते थे प्राइम मिनिस्टर बनाना, मियां नवाज शरीफ को, उनके सिर्फ 54 मेंबर्स थे, तो वो 54 मेंबर्स वालों को प्रेफर करते थे ओवर 96। तो बड़ी अखबारात में भी दुश्वारियां आ रही थी, तो मैं ठहरा हुआ था उस जमाने में, इलेक्ट होके हम इस्लामाबाद पहुंचे हुए थे, तो मैं अपने कज़न के पास ठहरा हुआ था जो बहुत करीब थे रहमान साहब के भी, और रहमान साहब भी उसी घर में वहीं ठहरे हुए थे। तो मुझे याद है दूसरे दिन मुझे और दो और लोगों को बीबी शहीद ने तलब किया, सुबह 11 बजे आप आ जाना, तो लेट्स थिंक ऑफ आवर कैबिनेट, कि इफ वी गेट द नॉड फ्रॉम द प्रेसिडेंट तो वी शुड बी रेडी विद द कैबिनेट। हम बिल्कुल यही तो ना हो कि हम हमारे पास कैबिनेट ही हमने ना सोच रखी हो। तो मुझे भी ख्याल आया कि ये कैसी, ये तो वाकई बात है बड़ी बजा है, पर अब मैं भी किसी से मशवरा कर लूँ। तो खाने के बाद मेरा कज़न अजफर शफकत, उनके बहुत करीब थे अजफर शफकत चीमा, फैज साहब के भी वो नेफ्यू थे, और गवर्नमेंट सर्विस में थे, हालांकि गवर्नमेंट सर्विस में थे फिर भी फैज साहब हों या रहमान साहब हों उनके घर रहा करते थे, और
वो मेहमानदारी करते थे, मैं भी वहीं ठहरा हुआ था। तो मैंने रहमान साहब को खाने के बाद ये कहा कि एक आपके साथ बैठ के एक एक्सरसाइज करनी है, वो बड़ी ज़रूरी है। मुझे कहने लगे हाँ हाँ, अभी तक तुम लोगों ने अभी तक तो अपनी कैबिनेट का कुछ सोचा ही नहीं। मैंने कहा आपको किस तरह इतला हुई कि मैं यही बात करना चाह रहा था। कहने लगे कि कोई बात ना तुम अखबार में दे रहे हो ना कुछ, यू शुड हैव अ टीम, आपकी तो टीम नजर आनी चाहिए इफ यू आर अ कंटेंडर फॉर पावर। तो वो बिठा लिया उनको, हम बैठ गए। फिर उन्होंने हमारे MNA जो के पहले तो जो पॉसिबल सिलेक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ सिलेक्शन की उनमें कुछ सलाहियतें हों उनको चुन दे, उनकी लिस्ट बनाई। फिर उन्होंने कहा कि आप इसको दो तीन में डिवाइड करो, एक तो सेक्शनलाइज करो पाकिस्तान को कि साउथ सिंध से कोई होगा, कराची से कोई होना होगा, सिंध सदन से, सिंध नॉर्दर्न से, ये इनकी नुमाइंदगी होनी पड़ेगी। फिर आपको नुमाइंदगी देनी पड़ेगी सराइकी बेल्ट को और फिर पंजाब को, सेंट्रल पंजाब को। फिर आपको सरहद में, उस वक्त सरहद कहते थे खैबर पख्तूनख्वा में, नॉर्थ साइड को एक और साउथ बन्नू साइड को एक और सवात वगैरह की तरफ से पहले। फिर हमने ये बलूचिस्तान का किया कि बलोच भी हो एक और पठान भी हो। अब इसका फ्रेंकली हमने इतना सोच नहीं रखा हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब ये आपके एक तरफ हो गए पॉसिबल अपॉइंटीज और एक तरफ हो गए इलाके। अब एक चीज़ रह गई, हमने कहा क्या कि इनमें से ये देखो, उनको सिलेक्ट करके एलिमिनेट करो कि जो कोई किसी कोई चीज़ की महारत रखता है तो वो तो वही, उसको तो महकमा देना पड़ेगा। मैंने कहा आपने तो मुझे लॉ मिनिस्टर बना दिया। कहने लगे लॉ मिनिस्टर आपका ही होना, कोई होना चाहिए। मैंने कहा मैं तो एजुकेशन का सोच रहा था पूछने का। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, लॉ को संभालो और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर लिया तो इंटीरियर संभालना, बड़ा मुश्किल वक्त आप पे आना है और आपने से बहुत उम्मीदें और बहुत है। खैर हमने वो बनाई एक कैबिनेट सी और दूसरे दिन मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बीबी के साथ मीटिंग करने में गया और बीबी ने चार लोगों को बुलाया हुआ था, इफ्तखार गिलानी को, मुझे, फारूक लगारी को और आफ्ताब शेरपाओ को। तो हम चारों ने जब बैठे तो सोचने लगे तो मैंने लिस्ट रख दी। मैंने कहा जी ये एक लिस्ट है, प्रपोज लिस्ट है, काफ़ी अच्छी है मुझे लगती है। तो देख के कहने लगी ये तो बहुत अच्छे आपने चुने हैं सारे। मैंने कहा मैंने नहीं चुना, रहमान साहब ने रात को इस पे थोड़ी सी ख्याल किया है। तो शी आस्क्ड मी टू कन्वे हर ग्रेटिट्यूड एंड मोस्ट ऑफ दैट कैबिनेट विच वॉज इनिशली द पीपल्स पार्टीज मोस्ट स्टेबल कैबिनेट, क्योंकि हमारे, मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट हमारे खिलाफ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे खिलाफ थे, ISI के चीफ हमारे खिलाफ थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हमारे खिलाफ थे, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हमारे खिलाफ थे। हमारे खिलाफ इन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की कोशिश की जिससे हम जब बच गए तो फिर इन्होंने 58(2)(b) को इस्तेमाल किया और वो उसके अलावा ये सोच रहे थे कि ये कैबिनेट जो कि नए प्रोग्राम भी ला रही है और जिसमें बात की बहुत सारी बिद्दतें कदरे नहीं थी, कम थी, तो ये कहीं कामयाब हो गई बेनज़ीर तो ये तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। तो ना सिर्फ हमें डिसमिस किया, फिर हमारे खिलाफ पूरी कैंपेन ऐसी चलाई गई अगली इलेक्शन कैंपेन में कि नवाज उनके फेवरेट वो आ गए एज द प्राइम मिनिस्टर और हमने, पर वो जो पहली डेमोक्रेटिक कैबिनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आफ्टर एन इलेक्शन इन 1988 बनाई गई, उसमें ज़्यादातर इन्फ्लुएंस रहमान साहब का अपना था। इज समथिंग आई विल स्पीक ऑफ ऑन अ लार्जर प्लेटफॉर्म ऑल्सो, but I think this is the largest platform in the sense that everyone here is Rehman Saab's comrade, chahe wo unke bacche hain,
चाहे वो उनके दोस्त हैं, साथी हैं, सब कॉमरेड्स हैं, स्टूडेंट्स, इतने कॉमरेड्स इकट्ठे होके शायद ऐसा मौका ना मिले। उस हवाले से, क्वालिटी के हवाले से ये बहुत बड़ा फोरम है, और किसी क्वांटिटी के हवाले से जहाँ मेन मीडिया वगैरह हो वहाँ भी मैं ये वाक्या और बताऊंगा। और उसमें हमारे बहुत से अच्छे बुजरा जो पार्टी के साथ रहे और आज भी साथ हैं और या चले गए इस दुनिया से, और वो नेक नामी के साथ गए, उनमें चॉइसेस रहमान साहब की, उसका बहुत अमल दखल था। थैंक यू। अब ये इतना लेवल है, उस ऊंचे लेवल से लेके कोई इवेंट जिस पे बुलाया जाए उस पे जाके और थपथपाना, आप इनकरेज करना। He was in all ages, सब ages के साथ, सब levels के ऊपर, सब तरह के लोगों के साथ, an amazing, amazing person. तो आज बहुत अच्छा लगा celebrate करके, और फरतुल्ला बाबर साहब, जफरुल्ला सारे और family के लोग, एतजाज साहब, आपका इजाज गुल साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल करता है रोज बैठ जाया करें 8 बजे, लेकिन यकीन करें इतना इतना बेहतर फील कर रही हूँ मैं मंडे से लेके अभी तक, सिर्फ इसलिए कि साथ है बाकी सबका, और पता है कि सभी इस चीज से गुजर रहे हैं, और ये बात के काम को आगे बढ़ाना है और ये बात के उनको सेलिब्रेट करते जाना है, दैट सॉर्ट ऑफ लिफ्ट्स अ वेरी, एक हैवीनेस की फीलिंग लिफ्ट होती है अपने दिल से। तो आई वॉन्ट टू थैंक यू एवरीबडी, और मैं फिर ये सजेशन दूंगी कि प्रोफाइल पिक्चर अपनी फेसबुक की, अपने जो भी आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स हैं, अगर वो हम 10 डेज के लिए चेंज करके और अपनी पसंद की रहमान साहब की तस्वीर, और मलिया अगर 2-3 तस्वीरें आप इस तरह की भी डाल दीजिएगा जो लोग अपने अपना प्रोफाइल पिक्चर बना लें, आई थिंक हम सब 10 डेज के लिए अपना प्रोफाइल पिक्चर आज चेंज कर लें और रहमान साहब की तस्वीर हम लगा लें, उससे हमें एक और भी रिश्तेदारी का एहसास होगा, जैसे जैसे लोग अपना फ्लिप करेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा ये भी रहमान साहब का लगाया हुआ बूटा है, ये भी रहमान साहब का कोई फैन है, कोई प्यार करने वाला है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, मलिया आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंसिडेंटली मैं जरा एक चीज अर्ज कर दूं कि मैं ना ट्वीट करता हूं ना फेसबुक इस्तेमाल करता हूं, पर मेरे नाम के बहुत जाली और फैब्रिकेटेड मैसेजेस जाते हैं, जिसकी मैंने साइबर क्राइम्स वालों को भी रिपोर्ट कर रखी है, और बहुत सारे अकाउंट्स जो है वो ट्विटर अकाउंट्स वो कैंसिल भी कराए हैं, पर फेसबुक वाला जो होता है उसका कोई अपेरेंटली कोई आइडेंटिटी नहीं होती और वो चल रहे हैं, और वो अगर मैं शायद तस्वीर चेंज ना कर सकूं, आपकी बेटी कर लेगी आपकी जगह पे, बिल्कुल। गुड बाय, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ जी।